मंडन का। अब आज हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सारा एनालिसिस खत्म हो जाएगा 2013 से लेकर 2023। सबको मिला के हमने 11 पेपर किए हैं और 6 क्वेश्चन सारे मिला के 66 क्वेश्चन हमने यहीं पे अंडरस्टैंड कर लिए हैं। दीज आर नॉट 66 क्वेश्चन, जैसे कि आप जानते हैं जब मैं वहां पे पढ़ा रहा था आपको, तो वी आर नॉट कंप्लीटिंग 66 क्वेश्चन, वी आर एक्चुअली कंप्लीटिंग होल 66 टॉपिक्स। ठीक है, तो ये कवरेज आपका है। उसके बाद अब शुरू क्या होगा, अब हमारा वही इवैल्यूएशन का काम शुरू होगा। अब हम क्लास लेंगे एक टॉपिक की, उसके बाद उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे ही क्लास खत्म होगी नोट्स की पीडीएफ आपको मिलेगी, साथ में आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपका वो आपका टॉपिक प्रोवाइड किया जाएगा कि ये टॉपिक पे आपको लिखना है, और फिर आंसर इवैल्यूएशन चैनल जो है वहां पे आपको उस टॉपिक पे लिखकर और वहां पे अपना ऐसे सेंड कर देना है और ऐसे इवैल्यूएशन करेंगे, और इस तरीके से हम लोग चलेंगे और कवर करेंगे अपने टॉपिक्स को। उसके बाद फिर वही आर्गुमेंट राइटिंग के लिए करेंगे हम, वही प्रोसेस के लिए और वही रिपोर्ट के लिए। तो अभी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझाने इसलिए जरूरी था कि रैंडमली किसी टॉपिक पर लिखना शुरू करेंगे तो उससे क्या होता है, जब आप जबरदस्ती लिखने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है लिखने की। उसको खत्म करके हमें सिर्फ वो एक ही तरफ फोकस करना है, जिस डायरेक्शन में यूपीएससी के क्वेश्चंस आते हैं हमें उसी डायरेक्शन में रखना है उसको, और उस तरीके से हमें उसको कवर करना है। ठीक है, तो आज हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो सीएपीएफ एसी 2023 के हैं और हम इसी का एनालिसिस करेंगे। आज 6 क्वेश्चंस आए थे एंड लास्ट ईयर ही हुआ था पेपर ये, एंड लेट अस बी वेरी यू नो अटेंटिव अबाउट द टॉपिक्स दैट यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क। देखो पहले जो क्वेश्चंस होते थे मेजरली ना वो ज्यादातर आपके सोशल इश्यूज की तरफ होते थे। ठीक है, और सोशल इश्यूज के टॉपिक्स आपको पता है शुरुआत से ही सोशल इश्यूज के टॉपिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है आपके एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए। लेकिन हमने कुछ टेक्निकल चीजें भी नोटिस की हैं जो पिछले 2-3 सालों से हो रही हैं। क्वेश्चंस या तो बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, या फिर कैसे क्वेश्चंस होते हैं जो एडिटोरियल से उठाए हुए कॉन्सेप्ट्स पे आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। अब ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि रेमिटांसेस जो थे, अगर आप देखेंगे तो रेमिटांसेस में इंडिया ने टॉप किया था, अराउंड $112 बिलियन का हमारे रेमिटांसेस आए थे। ठीक है, जो बाहर लोग काम करते हैं उसके बाद जो वहां कमाते हैं तो हमारे यहाँ पे अपने घर पे पैसा इंडिया में भेजते हैं, उसको रेमिटांस है। तो वी आर वन ऑफ द यू नो हाईएस्ट इन द बिगेस्ट रेमिटांस टेकर। ठीक है, तो बहुत सारा रेमिटांस आता है हमारे पास कंट्री के अंदर, तो इसीलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, के इतने रेमिटांसेस आ रहे हैं इसका मतलब बहुत सारे लोग बाहर हैं, वो हमारे इंडियन डायस्पोरा है। तो वो किस तरीके से पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से ही हमें हमारी इकोनॉमी के लिए और इंडिया को कॉन्ट्रीब्यूट करता हुआ। सेकेंड टॉपिक पे जाएंगे, एडुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर्स फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, एडुकेशन एंड अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं। टॉपिक्स वही हैं जो आप पढ़ते हैं लेकिन नजरिया बहुत अलग है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है ई वेस्ट के ऊपर, आ गया फर्स्ट टेक्निकल टॉपिक। अब ये कहीं पे भी आपको अलग से नहीं आएगा, जो पेपर वन के लिए आप कौन सा पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट वाला, कौन सा, शंकर आईएएस अकेडमी कि आप किताब पढ़ते हैं, वहां पर आपको ई वेस्ट का सीधा पूछा हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि कहां से, मतलब बेसिकली पेपर वन कितना हेल्प कर सकता है आपको ऐसे राइटिंग में। फिर नेक्स्ट आया आपका ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, सेम आपके किसके लिए, पेपर वन की प्रिपरेशन के। तो सीधा क्वेश्चन आया और सीधा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पूछ लिया, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यू हो सकता है स्टूडेंट्स को। फिर आता है इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्यों आया 2023 में क्वेश्चन, बिकॉज G20 की प्रेसिडेंसी हम लोगों को मिली और एक बहुत बड़ा एक फैसिनेटेड माहौल था इंडिया के रिगार्डिंग कि यार इंडिया किस तरीके से जो आज वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है उसमें किस तरीके से अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, इसलिए क्वेश्चन पूछा था G20। और जब आप G20 का एडिटोरियल एनालिसिस, अब जैसे जितने भी इवेंट्स हुए हैं एक साल में पिछले, उसका एनालिसिस हम लोग बैच में करेंगे, तो बेसिकली हर चीज का हर एंगल से उसको देखेंगे कि क्यों ये पूछा जा रहा है, क्यों न्यूज में आया था, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है बेसिकली। तो G20 सीधा पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन, ठीक है, G20 की वजह से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट इट्स अ ब्रॉड क्वेश्चन।
ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपसे पूछ लिया बताओ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, नहीं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया क्या रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। और फिर लास्ट में क्वेश्चन था आपका साइबर थ्रेट्स के ऊपर, साइबर अटैक्स। थैंकफुली अभी जो हमारा IBACIO और CSIR का बैच चल रहा है, डिस्क्रिप्टिव बैच, वहां पे हमने थरली कवर किया था। और पिछले साल ही पिछले मई में मैंने ये जो टॉपिक था साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड पोटेंशियल एंड चैलेंजेस, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर की थी एंड थैंकफुली एग्जाम में भी था। अब आप नोटिस करेंगे एक क्वेश्चन आया था 2-3 साल पहले, इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी। अब वो क्या क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत छोटा हिस्सा साइबर सिक्योरिटी और साइबर अटैक्स का भी आता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि एग्जामिनर दोबारा रिपीट नहीं करेगा क्वेश्चंस को। हमने कई बार देखा है 2013 से 2023 तक के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और कई बार रिपीट हुए हैं, एक ही टॉपिक में से अलग नजरिए से पूछा गया है लेकिन रिपीट हुए हैं, ये हमें पता चल चुका है। तो बेसिकली इसी तरीके से हमें देखना है कि जो तरीका है यूपीएससी का, अब वो या तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो गया है या एडिटोरियल बेस्ड है। ये जो सोशल इश्यूज का जो चक्कर है ना, इसको ना अब वो डायरेक्ट पूछ रही है या तो या एडिटोरियल बेस्ड। अब वो फिलोसफिकल बेस्ड जो था ना इस साल और पिछले 2 साल में भी, वो फिलोसफी जो है वो एक दो क्वेश्चंस ही हमें कुछ सर्टन दिखाई दिए। अदरवाइज आपकी नॉलेज जो है ना, आपका जितना बड़ा नॉलेज बेस होगा, ट्रस्ट मी, यू कैन नॉट बी अ गुड राइटर इफ यू आर नॉट अ गुड लर्नर। नॉलेज बेस आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना, नॉलेज लीजिए, एडिटोरियल सब कवर करेंगे, उसमें क्या होगा कि आपका नॉलेज बेस जितना बढ़ेगा ना, अब जितनी ज्यादा चीजें आपको पता चलेंगी उतना बेटर एनालिसिस आप कर पाएंगे। तो टॉपिक की समझ आपको आएगी, किस तरीके से टॉपिक्स पूछे जाते हैं या कैसा था उस टॉपिक में क्या है। तो ये जो 2013 से 2023 का ये पूरा हमारा प्लान था, ये आपको वो नॉलेज बेस कि यूपीएससी कैसे फंक्शन करता है और किस तरीके से हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। अब उसी तरीके से जब अभी परसों से बैच के अंदर जब क्लासेस होंगी, तब भी वो ऐसे होंगी कि क्लासेस होंगी, नोट्स दिए जाएंगे आपको टॉपिक, और फिर साथ में आपको ऐसे लिख के ऐसे इवैल्यूएशन करना, जो जो टॉपिक्स दिए जाएंगे ऐसे लिखो आराम से उस पे और इवैल्यूएट कराओ, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं टॉपिक के साथ। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है वो है इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। अच्छा, अब पहले देख लेते हैं कि इंडियन डायस्पोरा क्या है। प्लीज इसको ब्रेन ड्रेन के साथ ना कंफ्यूज मत कीजिएगा, ब्रेन ड्रेन इज अ डिफरेंट गेम। ब्रेन ड्रेन आप क्या होता है, जब आपको यहाँ पे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके खुद की कंट्री में, तब वो जो आपका जो मतलब पोटेंशियल जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या पोटेंशियल जो आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता है, वो फिर बाहर कंट्री में जाके काम करता है जहां पे उसको अपॉर्चुनिटीज हैं। इट इज नॉट ब्रेन ड्रेन, इट इज जो हमारी कम्युनिटी के लोग, जो हमारी कंट्री के लोग जब बाहर जाके रहते हैं तो उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से, जब से हमें इंडिपेंड। आप अपना इंडियन डायस्पोरा कब बुलाओगे, जब आपके पास इंडिया एज अ कंट्री होगी। पहले तो वी वर अ कॉलोनी, उसके बाद क्या बने हम लोग इंडिया, फिर जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी दिसंबर के आसपास, उसके बाद फिर चलते चलते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ और उसके बाद वी बिकेम अ सोवरेन एंड एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1947। प्लीज अनम्यूट मत कीजिए बीच में, आई वुड रिक्वेस्ट यू, ठीक है। तो अब देखो थॉट तोड़ देते हैं आप बीच में। तो इंडियन डायस्पोरा है वहां पे है, तो जब से हम फिर इंडिपेंडेंट हुए और फिर सोवरेन हुए, हम खुद के डिसीजंस खुद ले सके, तो जब कंट्री का एक पूरा सिस्टम क्रिएट होता है, उसके बाद जब आपके लोग दूसरे देशों में काम करने जाते हैं, रूट्स अभी भी इंडियन है, तो इंडियन डायस्पोरा का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। अब आप जानते हैं रेमिटांसिस से देखने को आपको साफ पता चलता है दैट अक्रॉस द ग्लोब यू विल सी इन एवरी फील्ड, वेदर इट इज टेक्निकल, whether it is journalism, whether it is social, wherever you will see on high offices or taking the higher posts, you will always see Indians excelling over there. Millions of them are outside in a lot of regions, in different continents, in different countries, excelling in their spheres. और इतना नाम रोशन कर रहे हैं इस कंट्री का, बोलते हैं ना कि इंडियन उसका था
वो रहने वाला था या फिर इंडिया का है, ये तीन सारे जो चीजें हैं ना, जैसे सीईओ देख लेंगे आप और सारे हो गए गूगल के हो गए इन सबके, तो आप ये देखेंगे कि वी आर एक्चुअली टेकिंग हाई ऑफिसेस उन कंट्रीज में जाके, तो वो इंडियन ओरिजिन बोलकर, अभी ऋषि सोनक जो है इंडियन ओरिजिन है एंड ही इज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, तो ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर, तो बेसिकली क्या इशू है ना कि ऑफकोर्स मेरे लिए तो ये मुझे तो ऐसा लगता है कि आई थिंक कि हम अगर जब ये इतना चौड़े में बोलते हैं कि यार देखो सीईओ बन गया वो सब बन गया, आई डोंट फील कि वो एक इतनी बड़ी बात है उसके बारे में वो करने का। आई थिंक ये हम अपने ही हिसाब से अपने आप को डाउनग्रेड कर रहे हैं कि क्यों हमारे पास गूगल नहीं है, क्यों हमारे पास सोशल मीडिया एप्स नहीं है, व्हाई आर वी नॉट यू नो मेकिंग ऑल दीज बिगर कंपनीज, मतलब यूनिकॉर्न्स इतने सारे क्यों हमारे यहाँ पे नहीं बन पा रहे हैं, क्या इशू है। तो खैर वो बात अलग है, लेकिन हम इस पे तो ऑफकोर्स हम इसको अप्रिसिएशन की तरीके से देखेंगे। तो अक्रॉस द ग्लोब आप देखेंगे मिलियंस ऑफ पीपल, यू विल सी बिगर यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड हो गई ठीक है, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, वहां पे आपको इंडियंस ज्यादा दिखाई देंगे ठीक है। इंडियंस, और मैं वैसे बताऊं तो जनरली इट इज यू नो दीज एशियंस एंड पर्टिकुलरली चाइना एंड इंडिया वो एक्सेल कर रहे हैं इस मामले में, और इससे जो कंट्रीब्यूशन है या फिर जो इंपैक्ट है वो बहुत तरीकों से पड़ा है। सोशल एंड कल्चरल इंपैक्ट भी है, एक इकोनॉमिकल इंपैक्ट भी है हमारी कंट्री के ऊपर, और एक डिप्लोमैटिक इंपैक्ट भी है। डिप्लोमैटिक मतलब रिलेशंस जो हैं दो कंट्रीज के बीच में वो बहुत बेटर है। आप जानते हैं कि यूएई में जो अभी एक बहुत बड़ा मंदिर जो था उसकी स्थापना हुई थी एंड एवरीथिंग दैट हैपेंड ठीक है, तो वो क्यों हुआ था बेसिकली, व्हाई वुड अ मुस्लिम कंट्री डू दैट, बिकॉज यूएई में बहुत बड़ा जो वर्कफोर्स है वो इंडिया का है एंड दे नो दे अंडरस्टैंड दिस कि जब वो अपनी कंट्री छोड़कर यहाँ पे आए हैं देन डेफिनेटली दे हैव सम डिमांड्स, दे हैव सम रिक्वायरमेंट्स, उसको फुलफिल करने के लिए वो इतना तो कर ही सकते हैं। दिस इज द रीजन टू यू नो एनहांस द रिलेशंस मोर, बिकॉज इकोनॉमिकली भी हेल्प कर रहे थे उनको ठीक है, लेकिन डिप्लोमेटिकली भी रिलेशंस बेटर होते हैं जब आपका बहुत बड़ा जो डायस्पोरा है वहां पे होता है। अब कल्चर की बात कर लेते हैं, पहली बात तो इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जाता है, जैसे वो वाली बात है ना कि दे आर नाउ गेटिंग द टेस्ट ऑफ इंडियन कल्चर, नाउ दे वांट टू नो मोर अबाउट इंडियन कल्चर बिकॉज दे हैव बीन सीइंग ऑल दिस अराउंड देम, रोड्स के ऊपर इस्कॉन के बहुत बड़े बड़े वो जा रहे होते हैं, यू नो प्रभात फेरी हो रही होती है, पीपल आर वॉचिंग हाउ यू नो इन रिलीजन एज वेल कि हमारा कितना स्पिरिचुअलिटी है, हाउ वी यू नो गेट सो मच इन्वॉल्व्ड इनटू कीर्तन एंड एवरीथिंग, तो वो कल्चर उस तरीके से भी देख रहे हैं हमारा। और क्या है, बहुत सारे फेस्टिवल्स जो है हमारे, इतना डाइवर्स कल्चर है कि वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स, जब वहां पे जाते भी हैं तो ऑफकोर्स नो मैटर इफ यू आर अ मुस्लिम और अ हिंदू, यू विल इफ यू नो दैट द अदर पर्सन इज ऑल्सो इंडियन देन डेफिनेटली यू फील वेरी सेफ ओवर देयर बिकॉज यू नो समबडी दैट बिलोंग्स टू द सेम कल्चर, दैट सेम सिविलाइजेशन। तो इंडियन कल्चर जैसे म्यूजिक, आर्ट, डांस, ये सारी चीजें जब वहां पे होती हैं, अ लॉट ऑफ सिंगर्स ठीक है, जैसे ऑफकोर्स अपने अरिजीत सिंह हो गए, दिलजीत दोसांझ हो गए, दीज सिंगर्स एक्चुअली दे गो आउटसाइड एंड पीपल देन गेट टू नो अबाउट आवर कल्चर, हाउ वी लिव, how rich our culture is, and the most important thing, how diverse our culture is. It is a very, you know, कोई ऐसा violent culture नहीं है जैसे देखने को मिलता है, इतना discrimination. It's a very assimilated culture. बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे में जुड़ा हुआ है, and this is what makes India, India today. एक global recognition मिल रही है worldwide India को, एंड अप्रिसिएशन भी ऑफ कोर्स मिलती है कि कितना कल्चरली वी आर रिच एंड जो फेस्टिवल्स हैं हमारे एंड द सोसाइटी दैट वी लिव इन, ये बहुत ही अकोमोडेटिंग सोसाइटी है। जहां पे भी लोग आते होंगे तो आप देखते होंगे कि हाउ मच दे प्रेज इंडियन सोसाइटीज, क्योंकि हम लोग ना बहुत अच्छे तरीके से अकोमोडेट कर लेते हैं उन लोगों को, अच्छे तरीके से रख लेते हैं। तो मैं, ये मेरा बोली हुई चीज है, आई ऑलवेज से हार्ट्स आर वन बाय कल्चर्स नॉट डॉलर्स। इकोनॉमिकल सेंस में आप शायद जीत ना पाए, लेकिन अगर आपने वहां के दिल जीत दिए अपने कल्चर से, देन यू आर गुड टू गो। तो हार्ट्स आर वन बाय कल्चर्स एंड नॉट डॉलर्स, ठीक है। तो ये हो गया कल्चरल सेंस में कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, कितना एक ग्लोबल रिकॉग्निशन हमें मिली है, बहुत सारे अप्रिशिएट करते हैं लोग हमें बेसिकली कंट्री को, क्योंकि कल्चर जानते हैं आज अब वो हमारा। डिप्लोमैटिक सेंस में देखेंगे कि बहुत सारे प्रोमिनेंट पोजीशंस पे फॉरेन गवर्नमेंट्स में, जैसे आप ऋषि सोनक का एग्जांपल दे सकते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के ऊपर जो हैं अब फॉरेन गवर्नमेंट्स में भी हमारे इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो वहां बैठे हुए हैं।
तो उससे क्या होता है कि वो अच्छे तरीके से समझा पाते हैं कि हमारी इंडिया के इंटरेस्ट क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं, हमारे बिगेस्ट कंसर्न्स क्या होंगे, हमारे इंटरेस्ट किस चीज में है, किन कंट्रीज के साथ या किस ब्लॉक के साथ हमें ज्यादा अटैच होना है, एवरीथिंग. तो डिप्लोमेटिक जो सॉल्यूशंस हैं या डिप्लोमेटिक ट्रांसफर, डिप्लोमेसी ट्रांसफर जो हो रहा है वो बहुत इजीली तरीके से होता है जब हमारे लोग वहां बैठे हों एंड ऑल द अदर पीपल शुड नो व्हाट इंडिया थिंक, व्हाट इज द कोर आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया. वासुदेव कुटुंबकम अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर आप आज देखेंगे तो कितने बड़े लेवल पे ये वाली G20 समिट हुई थी. अब ये क्या है बेसिकली, हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, हम लोगों ने वो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो बहुत ही क्लीन तरीके से पास कराई, अफ्रीकन जो यूनियन थी उसको इन्वॉल्व किया उसके अंदर. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो. एंड वो ज्यादातर तब हो पाती है जब आपकी प्रेजेंस वहां पे हो. सो द अदर गवर्नमेंट्स इन द अदर कंट्रीज शुड नो दैट व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिया एंड वॉट हैज बीन द आइडिया ऑफ इंडिया, दैट इज वासुदेव कुटुंबकम. तो बहुत अच्छे तरीके से कन्वे तब की जाती है जब आपके लोग वहां पे बैठे हों, टू मेक देम अंडरस्टैंड कि हमारी क्या आइडियोलॉजी है. फॉरेन रिलेशंस बेटर हुए हैं, इंडिया की वर्थ दिखाई है दुनिया को. आप देखते होंगे, मैंने जैसे बताया अभी कि फॉरेन रिलेशंस किस लिए, यूए पहले इस्लामिक कंट्री के रिलेशंस इतने बेटर नहीं थे इंडिया के साथ, यू नो दिस, मिडिल ईस्ट के हो गए या इस वाले पूरे कॉरिडोर के हो गए, इतने अच्छे रिलेशंस नहीं थे. बट नाउ दे अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ इंडिया, व्हाट इंडिया होल्ड्स इन इट, क्या डिप्लोमेटिक पावर्स है हमारे पास. वी डू नॉट सकम टू एनी प्रेशर, चाहे वो यूएस हो चाहे वो कोई भी कंट्री हो, वी डू नॉट सकम टू इट. सिंस लास्ट 10 ईयर्स वी हैव नॉट बीन डूइंग दिस. तो एक नया इंडिया हम देख रहे हैं, ठीक है, वो फॉरेन रिलेशंस बेटर होने की वजह से हुआ है. हमारा जो डायस्पोरा है वहां पे, दे अंडरस्टैंड द नीड कि व्हाई इंडिया इज नीडेड, एंड यस इंडिया इज नीडेड. तो इससे रिलेशंस और बेटर होते हैं, वो चाहते हैं हमसे रिलेशंस रखना. अब आज बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, सर वो जो हुआ था अभी सीन के केजरीवाल के अरेस्ट से निकलते ही डोनाल्ड लू भी है जो बेसिकली वो भी इंडिया आए एंड एवरीथिंग, वो बहुत बार जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ पे सेशनिस्ट मूवमेंट के लिए, और वो पूरे एशिया और वो पूरे कॉन्टिनेंट पे ध्यान रखते हैं कि सबकी गवर्नमेंट्स यूएस के हिसाब से बने. तो बेसिकली वो इलेक्शंस को रिग करते हैं. तो ऑफिस में ये बात चल रही थी कि ऑफ कोर्स दे आर नॉट, मतलब यूएस का ये इंटेंशन नहीं है कि वो हमारा सत्ता पलट करे, बट दे जस्ट वॉन्ट अ गवर्नमेंट दैट सकम्स टू देयर प्रेशर. वो बोले ये करना है तो करना है, ठीक है. तो बेसिकली वही वाली बात है, अब वो चीज नहीं रही है. नाउ दे अंडरस्टैंड आर नीड बिकॉज आर डेमोग्राफिक डिविडेंड इज वेरी पावरफुल. दे अंडरस्टैंड कि जो यहाँ के लोग हैं ना, यही हमारी इकोनॉमी चलाएंगे एक टाइम पे जाकर, बिकॉज दे हैव सच अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड अलॉन्ग विद दैट दे हैव सच अ यूथफुल पॉपुलेशन. तो जब आप वहां जाएंगे रहेंगे, प्लीज डोंट अनम्यूट प्लीज. ठीक है, नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक. इंडियन प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्किल्ड वर्कर्स, कितने सारे लोग देखते होंगे आप वहां पे. बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, सक्सेसफुल बिजनेस बनाए वहां पर भी और यहां पर भी, और क्या हुआ, और इन्वेस्ट किया हेविली इंडिया के अंदर, बिकॉज दे नो दिस प्लेस, दे नो द लॉज एंड एवरीथिंग ऑफ दिस प्लेस. सो दे इंटेंड टू यू नो क्रिएट दोज बिग कंपनीज ओवर हियर, वहां पे बना के. सिलिकॉन वैली को देखोगे आप, इंडियन टेक एंटरप्रेन्योर से भरा हुआ है. सिलिकॉन वैली में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बन रही है, विच इज यू नो कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द इकोनॉमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज ऑफकोर्स यूनाइटेड स्टेट्स का तो मानना ये है ना कि उसके हिसाब से पूरी दुनिया चलती है, तो दे शुड फील इंपॉर्टेंट. तो उस हिसाब से आप देखोगे तो सिलिकॉन वैली जो है वो इंडियन टेक एंटरप्रेन्योर से भरी हुई है, ठीक है. और मतलब इतनी सारी चीजें आती है, ऑफ कोर्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी आप देखोगे, बिकॉज नाउ द अदर पीपल आल्सो नोज अबाउट कल्चर, यू नो आवर डिशेस ओवर देयर. अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया पे दे हैव बीन ट्राइंग इंडियन स्टफ्स, इफ यू विल नोटिस, ठीक है. सो द फॉरेनर्स आर ट्राइंग इंडियन स्टफ्स, इंडियन फूड एंड एवरीथिंग. वो कैसे हुआ, बिकॉज आवर डायस्पोरा इज ओवर देयर, दे हैव मेट देम एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट इंडिया, इंडियन सोसाइटी, हाउ इट वर्क्स, क्या खाती हैं, क्या पहनती हैं. तो उससे इम्पोर्ट एकदम से बहुत ज्यादा क्या है कि आपका ग्रो करना शुरू होता है. एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से तो एक्सपोर्ट हो रहा है, वो इम्पोर्ट करना शुरू करते हैं क्योंकि नाउ दे वॉन्ट टू टेस्ट द इंडियन फूड. तो इस तरीके से जितने भी आपके स्नैक्स हो गए, पैकेट्स हो गए, ये सब चीजें भी आप देखोगे तो बहुत हद तक जो है फूड इंडस्ट्री भी इंप्रूव होती है जब आपका डायस्पोरा वहां जाके रहना शुरू करता है. इवन दे वांट टू टेस्ट दैट.
तो यूएस में आज अगर आप जाएंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कैनेडा में जाएंगे, बिकॉज अ लॉट ऑफ माई यू नो रिलेटिव्स एंड सम पीपल आर स्टेइंग ओवर देयर. तो वहां पे क्या है कि इफ यू गो टू मॉल्स यू विल एक्चुअली सी हल्दीराम्स, बीकानेर, इन सबके पैकेट्स, नमकीन, भुजिया, यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स ओवर देयर बिकॉज दे वॉन्ट टू टेस्ट यू नो इंडियन फूड बिकॉज इट यू नो हाउ टेस्ट इट इज. तो वो इस तरीके से क्या होता है ना कि इकोनॉमिक्स भी आपकी में भी कॉन्ट्रीब्यूशन आता है आपका. कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, वहां से सीखते हैं तो वो यहाँ पे ही आएंगे, बेसिकली यहाँ पे कंपनीज खोलेंगे, इन्वेस्ट करेंगे बहुत ज्यादा वहां पे. उसके बाद यूएई का जो है एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हमारी कम्युनिटी है वहां पे रहती है, एंड यूएई का जो आज डेवलपमेंट हुई है इतनी सारी, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ के जो डायस्पोरा है, वर्कफोर्स है, उसका रहा है. ऑफ कोर्स जो लिविंग कंडीशंस हैं यहाँ से तो बेटर ही हैं, बट ऑल दो लिविंग कंडीशंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती उनके लिए वहां पे, बट स्टिल इसीलिए यूएई और जो ये अब सऊदी अरेबिया भी धीरे धीरे पकड़ रही है इस चीज को इकोनॉमिकल सेंस में, जो यूएई ने पहले से नब्स पकड़ ली थी इकोनॉमी को ध्यान रखते हुए कि रिलीजियस बिगेटरी को अलग रखो एंड फोकस ऑन इकोनॉमी. तो यूएई ने जो ख्याल रखा वही ख्याल रख रही है अब सऊदी अरेबिया, उसीलिए हमारे साथ रिलेशंस बहुत बेटर हो रहे हैं. यहां पे लिख सकते हैं आप कि मिडिल ईस्ट का एक एग्जांपल दे सकते हैं व्हाई यूएई एंड सऊदी अरेबिया आर having good relations with India right now, because they know the economic worth and they know the worth of our diaspora which is going to stay over there for a, you know, kuch saalon mein aur badh jayengi wo, isliye economic relations better hote hain. So all in all agar aap dekhoge to basically jo Indian diaspora reh raha hai jab se independence hui hai, hamare values aur cultures bahut had tak, ab isko please likhiyega, bahut had tak kya hai na ki hamare values इन चीजों की वजह से इंटरचेंज हुए हैं, कुछ वहां गए हैं और कुछ यहां पे गए हैं, एंड दिस इज हाउ सोसाइटीज डेवलप व्हेन यू कंसिडर दिस अर्थ एज अ ग्लोबल विलेज. ऐसे करते हैं ऐसे इसको खत्म, एक कंक्लूजन ऐसा दो कि एग्जामिनर कोई पढ़ के तसल्ली हो गया, अरे वाह यार अच्छा लगा बहुत. तो ये जो डायस्पोरा वहां रहा है वो यहाँ पे कल्चर्स लेके आया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं पे सब कुछ गया है, वहां से भी आया है हमारे पास. तो कल्चर जो है इसी तरीके से सोसाइटीज डेवलप होती हैं, सीखती हैं एक दूसरे से, इंटरचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं इस डायस्पोरा की वजह से, और इसलिए हम भी डेवलप हुए और किस तरीके से वो भी डेवलप हुए अलग अलग सेंस में. तो ये चीजें होती हैं जब आप कंसिडर करते हो कि जो ये अर्थ है इट्स वन प्लैनेट एंड इट्स अ ग्लोबल विलेज. सिर्फ आप एक कंट्री में रह के उस चार दीवारी के अंदर से काम नहीं कर सकते हो, आपको बाहर निकल के बेसिकली आगे बढ़ना पड़ेगा. चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक, एडुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर्स फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. अब जैसे डेमोक्रेसी के बारे में आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है. अब ये डेमोक्रेसी एक गांव के रूरल इंडिया के अंदर, अगर आप कहीं पे भी सब अर्बन विलेजेस में या फिर कहीं पे चलो रूरल विलेजेस में भी जाते हो आप, और वहां के बिल्कुल ही आउटस्कर्ट्स पे अगर आप जाओगे तो लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट इवन नो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी है क्या, लोकतंत्र है क्या, एंड कैसे क्या है. बेसिकली आप रियलाइज करोगे कि जितना आपको पता है उसके बारे में. अच्छा एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपका कोई फ्रेंड है हु इज वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर एंड हु हैज नॉट बीन इन्वॉल्व्ड इनटू स्टडीज आफ्टर स्कूल, गो टू दैट पर्सन एंड आस्क अबाउट डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मोटा मोटा क्या है हम इंडिविजुअल्स के बारे में, दे माइट नॉट नो अबाउट इट. व्हाई? क्योंकि 12th तक जो हमें सिखाया गया वो रटा के सिखाया गया, उसके बाद आपने तो पढ़ लिया लेकिन उन लोगों ने नहीं पढ़ा. ऑफ कोर्स बहुत लोगों को पता होगा जब वो न्यूज वगैरह देखते होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ लोग न्यूज में नहीं होते हैं इन्वॉल्व. तो ये किस चीज की कमी है, क्या ऐसी चीज है कि डेमोक्रेसी नाम तो सुना है, लोकतंत्र का नाम तो सुना है, लेकिन इंजॉय कैसे करते हैं उस डेमोक्रेसी को ये नहीं पता. इसी चीज के लिए हमें समझ आता है कि डेमोक्रेसी को अगर आपको इंजॉय करना है टू इट्स फुलेस्ट
तो बहुत जरूरी है पहले आपको उसके फंडामेंटल जानने बहुत जरूरी है, दैट कैन एंड ओनली हैपन थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस. टू एंजॉय डेमोक्रेसी इट्स इंपॉर्टेंट टू बी फर्स्ट अवेयर ऑफ इट. बहुत जरूरी है पहले पता चले होता क्या है भाई, उसके बाद ही तो आगे फर्दर बोलोगे ना. एक्ट्स एज द फंडामेंटल पिलर्स टू अचीव इट. तो ये जो दो पिलर्स हैं एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये दो मेजर पिलर्स हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं टू अचीव दैट. अचीव व्हाट? अचीव द एंजॉयमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? आपके राइट्स, ठीक है, आपका डिसीजन मेकिंग इसमें, इस कंट्री के अंदर. ये सारी चीजें कहां से आएंगी? जब आपको पता ही नहीं होगा, आप जानते नहीं, जिस चीज के बारे में आप जानते नहीं है तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? दैट्स द होल पॉइंट. तो राइट्स हैं, डिसीजन मेकिंग है आपके, राइट टू वोट जैसे समझ लीजिए, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं बेसिकली. इस तरीके से ही आप डेमोक्रेसी को वो करते हो. डेमोक्रेसी क्या है कि लोगों की तरफ से चलाया जाए, ठीक है, जब उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं गवर्नमेंट चलाएं उस तरीके से. तो जब आपको यही पता हो कि सिर्फ वोट ऐसे देना है, 18 साल की उम्र से ऊपर से देना है बेसिकली. अभी क्योंकि ये चल रहा है, ऑफकोर्स ये आपका इलेक्शंस चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस ना कि डेमोक्रेसी की यू नो एंजॉयमेंट या एक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इस बात को, जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में. जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ, वोटर टर्नआउट की बात हो गई. बिकॉज पीपल नॉट अ लॉट ऑफ रूरल में, तो आप देखेंगे बेसिकली कि रूरल में क्या है कि दे टेन टू वोट. हमेशा क्या होता है कि 7-8% ज्यादा ही रूरल इंडिया से आपको वोटर टर्नआउट देखने को मिलता है, ठीक है, कंपेयर टू अर्बन इंडिया. ऑफकोर्स वो अपने काम में बिजी भी हैं, एंड यस दे आर अ लॉट अवे फ्रॉम द एक्चुअल स्टेट सिस्टम दैट इज गोइंग ऑन. वो क्यों है? बिकॉज दे आर नॉट एडुकेटेड एंड अवेयर अबाउट इट. तो वो जो वोटर टर्नआउट है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वो डेमोक्रेसी, सबसे पहली चीज जो डेमोक्रेसी की है वो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करके एंजॉय करते हो. तो वोटर टर्नआउट भी ये दिखाता है कि जब आपको वो सिग्निफिकेंस और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ना पता हो कि डेमोक्रेसी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत जरूरी है उसका एक हिस्सा बनना, तो वोटर टर्नआउट कम आने के चांसेस आपको दिखाई देते हैं. फर्स्ट देखते हैं हम एडुकेशन के बारे में, फिर चीजें क्लियर होना शुरू होंगी. एडुकेशन से क्या होगा आपको डेमोक्रेसी में? आपको पता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको पार्ट लेना होता है. देखो ये टेक्स्ट बुक्स कहती हैं, रियल लाइफ में इट डजंट हैपन. लोग बोलते हैं कि मतलब बुक्स बोलते हैं, टेक्स्ट बुक्स, कि सरकारें लोग बनाते हैं, ठीक है, और लोग ही सरकारों को गिराते हैं. आई डोंट नो कि ग्राउंड लेवल पे वो कितना काम करती है, आई डोंट थिंक कि वो इतना काम करती है, बट टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलेंगे हम. हमें तो जो टेक्स्ट बुक ने सिखाया है हम वही करेंगे. जब आप कुछ बन जाएंगे तो उसके बाद अपने हिसाब से बना लीजिएगा रूल्स. तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग तभी हो पाएगी जब आप उस चीज के बारे में एडुकेटेड होंगे. फंडामेंटल राइट्स ही नहीं पता, या यही पता चल गया राइट टू इक्वालिटी है, इससे क्या होगा? जब पता ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का आर्टिकल 32 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों डाला गया 32? अरे आर्टिकल 14-19 समझ के करोगे क्या जब पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है अगर आपका वो ब्रेक हो तो? तो ये है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या एडुकेशन की कमी की वजह से क्या होता है कि आप फिर डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं बन पाते. तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग आपके अंदर आती है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है. ये सारी चीजें कैसी आती है? व्हेन यू गेट दी एडुकेशन अबाउट इट, यू नो व्हाट इज व्हाट, क्या क्या है, यू नो दी एक्चुअल रियलिटी, फैक्ट क्या है, व्हाट इज र्यूमर, एवरीथिंग. फिर आप वो अपने आदत से और एडुकेशन से यू कैन फिगर दैट आउट. आप अपने डेमोक्रेटिक और फंडामेंटल राइट्स जो हैं, डेमोक्रेटिक जैसे राइट टू वोट हो गए, जैसे ऑलमोस्ट सभी राइट्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक राइट्स ही हो गए एक तरीके से, लेकिन वो राइट्स को एक्सरसाइज करने की ताकत आपको एडुकेशन देती है. व्हेन यू नो अबाउट इट देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर बीइंग एब्रोगेटेड. जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपके पास वो राइट है भी, तो आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि आपसे वो राइट छीना जा रहा है. इट्स लाइक दैट. तो वही वाली चीज है, एडुकेशन से आपको ये पता चलता है. नो इरेशनल बायस कि नहीं नहीं भाई हम तो आंख बंद करके जो है सपोर्ट करते हैं इनको, हमें कोई मतलब नहीं, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम कास्ट. नो, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. फिर वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई जो डेमोक्रेसी से बिल्कुल खिलाफ है.
फिर तो वो क्या होगा कि एक जो है रिप्रेजेंटेटिव आपका वो एक कास्ट बेसिस पे आ रहा है, और उसके बाद जो बाकी लोग हैं वहां पे, ऑफ कोर्स सभी ने तो वोट नहीं दिया होगा उनको, लेकिन अगर वो पावर में आ जाते हैं तो फिर बाकी लोगों को भी वो रिप्रेजेंटेटिव को झेलना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो वो जो बायस होता है ना कि भाई हमारा झुकाव तो इस तरफ है, वो आपका जाता है और आप बेटर डिसीजंस ले पाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं आप कि यार क्या ये सही है, क्या ये लास्ट टाइम अगर हम देखें तो क्या लास्ट टेन्योर के अंदर ये चीजें ठीक रही थी, क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस है, ठीक है। और एडुकेशन से क्या होता है, बिकॉज आप जानते हैं कि अगर आप प्री इंडिपेंडेंट इंडिया से भी देखते जाएं तो एलीट्स जो थे ना उनको मिलता था वोटिंग राइट्स, ठीक है। मैं आप एग्जाम्पल देता हूं, एक एनालिसिस देता हूं, वोटिंग राइट्स मिलता था इनको, सिर्फ इन्हीं के पास वोटिंग राइट्स थे। अच्छा, तो सर उसमें 18 साल की उम्र का कोई हिसाब नहीं था, एलीट्स को ज्यादातर वोटिंग राइट्स मिलते थे, रिच पीपल यूज टू गेट द वोटिंग राइट्स। तो उससे क्या होगा, जो पुअर पीपल हैं दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो वो डेमोक्रेसी भी नहीं है फिर। सो सबसे पहली चीज एनसीईआरटी के अंदर साफ लिखा है 11th क्लास की, एक चीज जिस पे कोई भी डिबेट नहीं हुई और कोई भी चर्चा नहीं हुई, वो हुई थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। वो क्या था कि नो मैटर फ्रॉम विच कम्युनिटी वन बिलोंग्स फ्रॉम, सीधी सी बात ये है कि आप अगर वो एज ज्यादा थी पहले, अगर आप 18 साल से ज्यादा हैं तो इसका मतलब आप वोट कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब वो होता है कि नो मैटर आप किस कास्ट से हैं, किस जेंडर के हैं, इट डज नॉट मैटर। तो इस एडुकेशन से क्या होता है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है ना उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ता है, वो अपने आप को एलिवेट करते हैं, पीछे रह गए 18 साल से ऊपर का वोट का राइट तो है लेकिन फिर वो बहुत बार नहीं जाते हैं, नहीं पता होता है, या फिर समझते हैं कि क्या करेंगे हम करके। तो एडुकेशन उनको एम्पावर करता है, उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ाता है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज का भी, किसमें, डेमोक्रेसी के प्रोसेस में। तो दिस इज हाउ एडुकेशन हेल्प्स यू। अब एडुकेशन हो गई, लेकिन हर चीज एडुकेशन से तो हासिल नहीं होती। एडुकेशन कैन नॉट मेक यू अ बेटर पर्सन, यू नो दैट। एडुकेशन कैन मेक यू एन इन्फॉर्म्ड पर्सन, लेकिन बेटर पर्सन बनाने में डेमोक्रेसी एडुकेशन आपकी हेल्प करती है, ये कहीं पे प्रूवन नहीं है, ठीक है, दैट इज फॉर श्योर। तो अवेयरनेस वहां पे सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। इट एक्चुअली वो आपके जो सोशल स्टिग्मा भी होते हैं उससे आपको बाहर लेके जाती है, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। इससे क्या होता है कि आपकी एंगेजमेंट बढ़ती है डेमोक्रेसी में, ठीक है। अवेयर होना जरूरी है। एडुकेशन का मतलब ये होता है कि आपको पता चले राइट टू वोट आपका है, आपको वोट करना चाहिए, एंड दिस इज सो सब्सटेंशियल इन अ डेमोक्रेसी। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि आपको पता हो कि जिसको आप वोट दे रहे हो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। एडुकेशन का मतलब है के रिप्रेजेंटेटिव जो लोकसभा में जाएंगे वो आपके वोट की वजह से जाएंगे। अवेयरनेस का मतलब कि जिसको मैं वोट देने वाला हूं भाई वो उस काबिल भी है कि नहीं। तो ये होता है बेसिकली अवेयरनेस। तो इट लीड्स टू योर एंगेजमेंट इन डेमोक्रेसी। आप एंगेज होते हो डेमोक्रेसी में बेटर तरीके से और घुसते हो उसके अंदर डेप्थ में। आप अंडरस्टैंड करते हो कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस स्टेट को चलाने में, इस सोसाइटी को चलाने में, या डेमोक्रेसी का सही चलाने में। जैसे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी अगर आपको रखना है, एक एग्जांपल है आरटीआई। आरटीआई एक्ट आया था वो किस लिए था? वो इसलिए था कि अगर आपको लगता है सरकार की कोई पॉलिसी है या कुछ ऐसा डेटा है जो आपको लगता है कि थोड़ा सा मतलब उसमें कुछ फेरबदल है या गलती है, तो आप क्या करेंगे, आप आरटीआई फाइल करेंगे उस डिपार्टमेंट के अंदर, और फिर वो डिपार्टमेंट जो है आपको उस आरटीआई का रिप्लाई देगा और उस सर्टेन टाइम पीरियड में आपको वो डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। तो वो अवेयरनेस है कि सुनिए, अगर आपको लगता है कि सरकार इतनी ज्यादा ओपेक है, ऐसा नहीं है, सरकार इज ट्रांसपेरेंट। उन्होंने बोला भाई कैसे, ये तो हमसे बात भी नहीं करते। कोई बात नहीं, आपके पास एक एक्ट है, इस एक्ट के तरीके से आप सरकार से पूछ सकते हो। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। तो फिर आप क्या, अवेयर सिटीजन क्या करेगा, वो बात नहीं करेगा सिर्फ, वो क्या करेगा, वो सच में एक्शन लेगा। किस तरीके से, वो आरटीआई फाइल करेगा, भाई मुझे भी जानना है कि जो लास्ट ये जो पूरा टेंडर निकला था इसमें किस किस जो है कंपनी ने, उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स ने उसमें साइन किया था, वो सब, ये सब चीजें आपको पता लगाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप
अच्छे तरीके से अकाउंटेबल रख पाते हैं सरकार को। सिर्फ सेलेक्ट कर देना इज नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड कि हाँ हाँ वोट दिया है बहुत बड़ी। जरूरी है कि जब आप वोट देकर आ गए हैं तो उन 5 सालों में वो ये ना भूल जाएं कि भाई आप ही से चलती है डेमोक्रेसी, क्योंकि बहुत बार गवर्नमेंट्स भूल जाती हैं। इमरजेंसी के टाइम पे गवर्नमेंट शायद भूल गई थी कि लोगों की वजह से वो हैं, ना कि उनकी वजह से लोग हैं। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने यही तो किया, उठा लिया लोगों को बस, और उन्हीं लोगों ने इलेक्ट किया था। तो 5 साल के दौरान भी अगर आपको लगता है कि भैया वो आपके हाथ से निकल रहे हैं, तो ये अवेयरनेस जो है, जैसे इसका एग्जाम्पल आरटीआई है, आप उनको अपने सामने खड़ा करके पूछ सकते हो भाई क्या चल रहा है ये। तो अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की अगर अच्छे तरीके से आपको बरकरार रखनी है तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और अकाउंटेबिलिटी अगर रहेगी, सरकार अकाउंटेबल रहेगी, ट्रांसपेरेंट रहेगी और रिस्पॉन्सिबल रहेगी आपकी तरफ, तो सीधी सी बात है डेमोक्रेसी आपने अचीव कर ली है। अब आज क्या है, एडुकेशन एंड अवेयरनेस की बात करें तो इस बारे में ही बात करनी पड़ेगी कि जो डिटेल्स आपको मिल रही हैं सारी चीजें, जरूरी नहीं है कि वो सही हो। मिस इन्फॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा आज अपनी पीक पे है, मतलब ये हमें न्यूज की तरफ से दिखाया जा रहा है कि 10 साल से पहले हम सोने की चिड़िया थे, जितनी भी परेशानी हुई है ये लास्ट 10 सालों के अंदर ही हुई, जितने भी गलत होने थे, व्हाटएवर बैड कुड हैपन, ठीक है, वो इन 10 सालों के अंदर ही हुए। इससे पहले तो मतलब बेस्ट चल रहा था इस कंट्री के अंदर। अब ये क्या है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये बायस मीडिया है, बायस न्यूज है, कि आपको सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट क्या गलत कर रही है। ऑफकोर्स आई नो कि बीजेपी इज रॉन्ग इन अ लॉट ऑफ सेंस, ठीक है, जो करप्शन का लेवल है वो सब चीजें, ऑफकोर्स अंदर वाले बीजेपी के कोर मेंबर्स नहीं कर रहे हैं, बट इशू इज कि जो करप्ट होता है वो किसी और पार्टी में है, फिर जब बीजेपी में चला जाता है सारे चार्जेस गायब हो जाते हैं, तो इसीलिए सही है, सही वर्ड बुलाते हैं वॉशिंग मशीन, बट दैट डज नॉट मेक कांग्रेस अ गुड पार्टी। समझिए इस बात को, डिफरेंस है। आपका काम एज अ लर्नेड पर्सन ये होना चाहिए कि यार सुनो, मैं किसी पार्टी में नहीं जाता हूं, मेरे को बताओ काम क्या क्या किया है। अगर आप इस पार्टी पे ये सवाल उठा रहे हो कि इसने ये सब किया है, तो तुमने भी किया था, वो नहीं बताते हैं। एक ही पार्टी को बार 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 टारगेट कर रहे होंगे, इसको बोलते हैं मिस इन्फॉर्मेशन और बायसनेस। और एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि 2014 के बाद डेमोक्रेसी खतरे के अंदर है और डेमोक्रेसी बची नहीं। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डिक्टेटर आर करंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज, ऐसा डिक्टेटर मैंने, इतना फुदू डिक्टेटर पहली बार देखा है। अगर मैं डिक्टेटर होता मैं तो सूली पे चढ़ा देता, मार देता, पकड़वा देता, ये सब कर देता, पता नहीं व्हाट काइंड ऑफ डिक्टेटर ही इज, लेकिन जो है वो है। तो मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा का जब इतना टाइम चल रहा है, तो इस वक्त पे हम क्या कर सकते हैं, कितना मुश्किल हो गया हमें जानना कि रियलिटी क्या है। न्यूज चैनल पॉलिटिकल नेक्सस के साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल मीडिया जो है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उन्होंने अपने अपने हार्बर्स खोले हुए, कहां पर, न्यूज चैनल्स के अंदर फंडिंग डाली हुई है, उनको अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो यहां पे अब हम लोगों के लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो गया कि क्या है यार। अब इसके लिए क्या है, अवेयरनेस और एडुकेशन ही आपका एकमात्र तरीका है इससे निकलने का। जैसे मैंने यहां पे ऑप्शन डाला है कि एक बिहेवियर होना चाहिए, जैसे सोशल मीडिया पे भी जब न्यूज आती है तो इट स्प्रेड लाइक फायर। क्या कर सकते हो आप, कुछ नहीं करना है आपको, आपको ANI या फिर किसी और चैनल्स के ऊपर, इफ दे आर अवेलेबल, आप उनके फैक्ट चेक पे जाइए, और 2 से 3 वेबसाइट्स पे, अलग अलग वेबसाइट, क्योंकि कभी कभी वहां पे भी बायस हो सकता है, यू नेवर नो, कुछ होते हैं बेवकूफ लोग, ट्विटर पे भी हैं, ठीक है, कुछ हैं जो फैक्ट चेकिंग भी गलत करते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें इस चीज में डिटेल में नहीं जाना, लेकिन ये हमारे लिए शॉर्ट शॉर्ट एक तरीका है जिससे हम बाहर आ सकते हैं इस प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन वाली दुनिया से। कैसे, एक बिहेवियर लाना जरूरी है थ्रू एडुकेशन एंड अवेयरनेस। पीपल मस्ट बी एडुकेटेड एंड मेड अवेयर ऑफ दिस फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स, ताकि वो क्रिटिकली इवेल्युएट कर सकें सोर्स को, कि क्या हमारे पास जो न्यूज आ रही है वो सच है, क्या एक तरीके से उसको आज ही लेके आया जा रहा है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से चाइना हैज बीन स्प्रेडिंग अ लॉट ऑफ न्यूज जो बहुत साल पहले हो रखी है, कुछ साल पहले, और वो अभी इसमें आ रही है मेन स्ट्रीम चीजों में, रिपोर्ट्स जानबूझ के वेबसाइट से वो कराई जा रही है। वो किस लिए कराई जा रही है, वो इसीलिए है ताकि हम लोगों को पहली बात तो कंफ्यूज कराया जाए,
ठीक है, डिस्ट्रेस में लाया जाए कि यार ये क्या हो रहा है देश के अंदर, नाउ यू डू नॉट फील सेफ, सीधी सी बात है। अगर आप फील सेफ फील नहीं कराओगे तो ऑफकोर्स जो कंट्री है, कंट्री में फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, डिलेमा फैलता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि जो आपको लग रहा है कि आपके जो इंटरनेशनल रिलेशंस इतने अच्छे हो गए हैं, एक स्पिरिट है इंडिया की बाहर, वो झूठ है। तो बेसिकली उस चीजों को इस तरीके से लाया जाता है आपकी कंट्री के अंदर कि एक यू नो एक परेशानी आपके दिमाग में खुद हो जाए, डिस्ट्रेस वाला माहौल बने। तो ये है तरीका कि किस तरीके से एडुकेशन एंड अवेयरनेस से आप इन चीजों को भी टैकल कर सकते हो। एक कल्चर लाना पड़ेगा फैक्ट चेकिंग का। मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आई डोंट थिंक के सिर्फ 10% लोग भी फैक्ट चेक करते होंगे। स्क्रॉल करते गए करते गए, ये न्यूज पढ़ लिया, अब दिमाग में वो छप गई, नो मैटर उसके बाद आप कुछ भी पढ़ लो, हमेशा आपके दिमाग में वही रहेगा कि नहीं यार ये यही हुआ था, फिर आप किसी और की बात सुनोगे नहीं। ये है लेस एडुकेटेड इंसान की पहचान। आप एडुकेटेड हैं, फैक्ट चेक कीजिए, क्योंकि बैकबोन है सक्सेसफुल डेमोक्रेसी की, क्या कि यू आर अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कैन नेवर रन विदाउट पीपल, पीपल रन द डेमोक्रेसी। तो उन सब की एंगेजमेंट बहुत जरूरी है और उन सब का इन डेप्थ जो है एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में काम करने के लिए। तो हम लोग क्या है, पीपल आर द बैकबोन ऑफ अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। और वो कैसे आएगी, इंजॉय कैसे कर पाएंगे, जब आप एडुकेट करेंगे और अवेयर करेंगे लोगों को। बहुत अच्छा टॉपिक था, सिंपल टॉपिक था, मुझे लगता है कि इसके बारे में 4-5 पेज भी लिखे जा सकते हैं, क्योंकि इतनी चीजें आपके आसपास होती हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, नो मैटर आप कभी भी कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हाथ में अखबार उठा लीजिए और एडिटोरियल वाला पेज तो रोज पढ़ ही लीजिए, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। ये अपनी आदत बना लो कि भाई मेरी घर में शादी है, कुछ भी है, सुबह उठ के 20 मिनट आधा घंटा एक घंटा लगा के मैं एडिटोरियल्स तो पक्का पढ़ूंगा। इससे क्या होता है ना, आप रियलिटी से कनेक्टेड रहते हैं। महीना साल कुछ नहीं पढ़ेंगे, आखिरी में साल में उठा लेंगे एक वो बुकलेट मंथली और उसको पढ़ लेंगे, उससे उससे एग्जाम नहीं निकलते हैं, उससे सिलेबस लगता है कि पूरा हो गया, बट एग्जाम नहीं निकलते हैं उससे। तो जितना उसमें रहोगे ना फ्लो के अंदर, उतनी ही कम चीजें याद रखनी पड़ेंगी और उतना ही कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि यूपीएससी कनेक्टिंग क्वेश्चंस पूछता है, चाहे पेपर वन हो या पेपर टू। प्लीज ध्यान रखिएगा, इस आदत को मत भूलिए, पढ़िए एडिटोरियल्स रोज पढ़िए। नेक्स्ट आता है हमारे पास ई वेस्ट, डार्क साइड ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन। अभी रिसेंटली मैंने सब्जेक्टिव पेपर के बैच में, डिस्क्रिप्टिव पेपर के बैच में जो आईबीएसईआई वगैरह का है, उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा है, उसका नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए कैसे वो हेल्पफुल भी हो सकती है और कैसे वो एक बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी कर सकती है। अब डिजिटल रेवोल्यूशन आप जानते हैं कि 21st century जो है वो एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन रही है, शुरू हुआ है जब से सेंचुरी, आप जानते हैं किस तरीके से कंप्यूटर्स, प्रोसेसर्स, देन इंटरनेट, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बाद कितनी चीजें बदली हैं। एंड डेफिनेटली आपका जो वो है कनेक्टेडनेस जो है लोगों के बीच में, वो और अच्छे हद से बढ़ गई है। वो कैसे, डिजिटलाइजेशन के थ्रू, इंटरनेट ने सबको एक साथ कनेक्ट किया। लेकिन ये इंटरनेट हवा में तो है नहीं। टॉपिक से हटके, देयर वाज अ वेरी गुड इंटरव्यू, ये काफी साल पहले की बात है, आई थिंक 8-10 साल पहले की बात है। तो वहां पे देयर वाज सम पॉलिटिशियन जिससे न्यूज चैनल पूछ रहे थे कि ये क्लाउड जो स्टोरेज है, क्लाउड सिस्टम जो है, उसके बारे में आप क्या समझते हैं। तो कहते हैं कि दिस इज वेरी अनसेफ, क्योंकि आप समझिए आज अगर क्लाउड यहाँ पे है और आपने ऊपर डेटा स्टोर कर दिया, कल को बारिश आ सकती है, आपके क्लाउड्स आगे पीछे जा सकते हैं, तो फिर वो सारा डेटा आपका उड़ जाएगा। मतलब दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डम्ब एंड फनीएस्ट इंटरव्यू एवर। कभी ढूंढिएगा, क्लाउड स्टोरेज के ऊपर एक इंटरव्यू है, फनी इंटरव्यू क्लाउड स्टोरेज, और पॉलिटिशियन दे रहा है, वो बता रहा है वो चीज। तो ये सारी चीजें जो कनेक्टेडनेस है, डेफिनेटली वो कहीं से आ रही है, और वो कहां से आ रही है, थ्रू हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर हवा में यूज नहीं हो सकता, देयर हैज टू बी अ हार्डवेयर जिसके अंदर सॉफ्टवेयर फिर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या एक तरीके से उसको यूज कर, सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए आपको हार्डवेयर की जरूरत है। सारा प्रॉब्लम ही हार्डवेयर का है।
आपने दुनिया भर के हार्डवेयर बनाए लेकिन ये नहीं समझाया इसको करेंगे क्या। हार्डवेयर बना दिया, जैसे इतनी सारी चीजें प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, बिस्किट, नमकीन, ये सब चीजें यूज करते हैं, आता किसके अंदर है? हवा में तो दे नहीं सकते, कहीं तो रखा होगा, प्लास्टिक में रखा होगा। खाना खाना भी है, ये सब करना है, ये नहीं समझाया प्लास्टिक का क्या करें। बस उसी टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं, ये डिजिटलाइजेशन का प्लास्टिक है, ई वेस्ट। ये समझ लीजिए इस तरीके से। हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस तक, हर जगह आपको डिजिटल रेवोल्यूशन दिखाई देगा, छोटे से छोटे सब्जी वाले के ऊपर। ये बहुत अच्छी एक मैं वो पढ़ रहा था स्पीच, जब जिस टाइम पे हो रहा था डिजिटल इंडिया की बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़े मजाक में सवाल पूछा था कांग्रेस के लीडर ने कि आपको क्या लगता है कि क्या ये सब्जी वाले वो कभी ये होगा, ये सब होगा? और आज वही हो रहा है, छोटे छोटे सब्जी वाले के पास भी, यहाँ पे एमपी के अंदर भी ऑफकोर्स जब हम जाते हैं तो वहां पे एक सब्जी वाले के पास भी क्यूआर कोड होता है। क्या है वो? डिजिटल रेवोल्यूशन। कैसे काम कर रहा है? अकाउंट से, वो अकाउंट के भी कहीं क्लाउड स्टोरेज होगी और उनके भी सर्वर्स होंगे, वो भी ई वेस्ट है, ठीक है। टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, ये टेलीग्राम पे जो क्लास चल रही है वो कहां जा रही है? क्लाउड पे, टेलीग्राम के। वो क्लाउड कहां पे होगा? इनके हेडक्वार्टर्स में। वो क्लाउड किस चीज में स्टोर्ड है? एक सर्वर के अंदर। वो सर्वर कहां पे है? एक बहुत बड़ी मशीन के अंदर। उस मशीन के अंदर लगी हुई चिप्स, प्रोसेसर्स एंड एवरीथिंग, वो है ई वेस्ट। सॉफ्टवेयर को बिना हार्डवेयर यूज नहीं कर सकते आप, यहां पे हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कनेक्टिविटी और कन्वीनियंस किस तरीके से बढ़ गया डिजिटलाइजेशन के टाइम पे या डिजिटल रेवोल्यूशन के टाइम पे, ये आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, कैसा एक डार्क साइड है कि ई वेस्ट का जो प्रॉब्लम है ये बहुत बढ़ गया है। ऑफकोर्स क्यों बढ़ेगा, सोच के देखिए, प्लास्टिक का क्यों बढ़ रहा है उसी के साथ कंपेयर करेंगे। डिस्कार्ड कर देते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और डिवाइसेस को, आप क्या करते हैं बहुत बार देखना, रिमोट खराब हो गया, रिमोट फेंक दिया और फिर वो कबाड़ी में चला गया। उस रिमोट के अंदर एक बहुत बड़ी वो लगा होता है पैनल, अब उसके अंदर बहुत सारे मेटल्स होते हैं अलग अलग तरीके के, वो सीधी सी बात है सिर्फ प्लास्टिक का नहीं होता है, उसके अंदर काफी सारे लेड, मर्करी, ये सब होते हैं, कैडमियम वगैरह अवेलेबल होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स। आपने वो फेंक दिया, अब वो रिसाइकल तो हुआ नहीं, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक तो इशू हो गया कि डिस्कार्ड कर देते हैं हम सीधा, तो रीयूज करने का जो हिसाब है वो अच्छे तरीके से अभी डेवलप नहीं हुआ है। जैसे वेरी लो रीयूजेबल रेट, रीयूज लोग कम करते हैं, नया ले आते हैं। चार्जर की तार खराब हो गई, अब तो शुक्र है डेटा केबल डिटैच हो जाती है, आराम से हटा सकते हो, डाल सकते हो, पहले तो सारी पूरा पूरा चार्जर फेंक दिया। वो चार्जर का जो सॉकेट है, ठीक है, वो चार्जर का जो कनेक्टर है, ठीक है, उसके अंदर क्या है? चिप है, वही तो करंट को इधर से उधर करा रही है। तो बेसिकली क्या है आपका कि जो रीयूजेबल रेट है वो बहुत कम है, और ये जो प्रॉब्लम है ना कि बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं या फिर कुछ नया अपग्रेड आ जाता है। आईफोन का एग्जांपल ले लेते हैं, हर साल कुछ नया लेके आते हैं, वही आईफोन 11 के बाद कुछ चेंज नहीं हुआ है, 15 में बस सॉफ्टवेयर में कुछ डिफरेंस है, कैमरा इधर से उधर कर दिया, अदरवाइज द एंटायर सिस्टम इज सेम। तो क्या है प्रॉब्लम ऑफ दीज गेटिंग ऑब्सोलीट वेरी फास्ट, बहुत जल्दी यार वो हो जाते हैं, मतलब पुराने हो जाते हैं। क्या हो गया? अपग्रेडेड वर्जन आ गया। आपने आज कोई मशीन ली है, उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद ही आप देखेंगे अगले साल ही, अरे यार ये क्यों ले लिया, इससे बेटर मॉडल मिल रहा था मुझे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, प्लीज को लिख के आइएगा अगर कभी ई वेस्ट का क्वेश्चन आता है, किसी और एग्जाम के लिए भी आपके पास आता है, कि बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाते हैं। समझ नहीं आता यार कि यार अभी तो लिया था, बताओ इसका बेटर वर्जन भी आ गया, देन डेफिनेटली यू वुड बाय दैट वर्जन। ये इशू है। फिर आखिरी में कहां जाते हैं जब आप यूज करते हैं इनको, तो फिर वो कहां जाते हैं? ये लैंडफिल्स में जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स कूड़ा कहाँ जा रहा है आपका? कूड़ा सारा जल तो रहा नहीं है, आपको पता है कि ये सारा चीज इस तरीके से फॉर्मल तरीके से तो रिसाइकलिंग नहीं हो रही है, यू एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो वो आखिरी में कूड़ा जो इतना सारा है और हमारे पास इतने प्लांट्स ही नहीं है जहां पे हम कूड़े को रिसाइकल कर सकें, तो आप क्या करोगे? उस कूड़े को फेंकोगे। कूड़े को कहाँ फेंकोगे? लैंडफिल्स में। बहुत बड़े पहाड़ देखे होंगे आपने दिल्ली के अंदर, करनाल बाईपास के आसपास, जहां पे बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं किसके? कूड़े के ढेर है वहां पे, यहां से कूड़ा जाता है सीधा फेंक दिया जाता है। लैंडफिल्स में बनते हैं, उससे तो पोल्यूशन होता ही है, एवरीबडी नोस,
ये आपने शंकर आईएएस में ऑफकोर्स पढ़ा होगा। इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेंटर्स अब थोड़े बहुत शायद खुलने लगे हैं, लेकिन एक टाइम पे तो ऐसा था आपको पता ही नहीं था कि जिनको आप कूड़ा दे रहे हैं बेसिकली वेयर दे आर टेकिंग दैट गार्बेज, यू नेवर न्यू इट। अब तो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स आपको दिख जाते हैं, बीच में प्लांट्स नहीं एक छोटे से यूनिट बन जाते हैं जहां पे आप रिसाइकिल कराते हैं उसको सामान को, लेकिन अभी भी इनफॉर्मल तरीके से है, अच्छे तरीके से नहीं है। ओशनिक वेस्ट हो गया, ओशन में जाते हैं आखिरी में जाके, एंड ऑफ कोर्स जो फाइटोप्लैंक्टन्स है उनको इशू देते हैं। कोरल रीफ्स का जो इशू हो रहा है, उनकी ब्लीचिंग हो रही है, वो एक बहुत बड़ा इशू है जो नीचे जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको बहुत बड़ा इशू हो रहा है। तो बहुत सारे हेल्थ और इन्वायरमेंटल एफर्ट्स इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपको देखने को मिलेंगे कि ये बहुत बड़े इशू यहां पे चल रहे हैं। अच्छा, अब सीपीसीबी की एक रिपोर्ट आई थी कि अराउंड 4 मिलियन मेट्रिक टन जो हैं वो वेस्ट जो है प्रोड्यूस होता है और थर्ड लार्जेस्ट जनरेटर है हम ई वेस्ट के। यार इतना लिखने में कैसे इशू हो सकता है। ओके, अच्छा, इसका एक और प्रॉब्लम भी है, जैसे मैंने ये पॉइंट यहां लिख दिया, ठीक है, लेकिन आई वुड वॉन्ट यू कि आप इसको यहां यूज करें एज अ थर्ड पॉइंट। कैसे? कि जो इंक्रीज कंज्यूमरिज्म है, ये जो खरीदना है, कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है नो मैटर इफ यू नीड दैट थिंग और नॉट बट यू बाय दैट, ये जो खरीदने का है ना कि खरीदना है और कुछ नया खरीदना है वो सब। तो इंक्रीजिंग कंज्यूमरिज्म, वो इतने अच्छे तरीके से एड्स दिखाते हैं कि यार इंटेल का नया प्रोसेसर आया सब कुछ बदल देगा, ये सब कुछ नहीं है i5 और i7 के अंदर। लोग अभी भी i5 प्रेफर करते हैं, लेकिन अब i9 आ जाएगा उसके बाद तो डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज। AI आ गए ना, प्रोसेसर्स के अंदर भी AI आ जाएगा तो थिंग्स विल डेफिनेटली चेंज। तो जो कोर सिस्टम है पूरा वो ही चेंज होना शुरू हो जाएगा। इंक्रीजिंग कंज्यूमरिज्म एंड डिमांड, ये एक बहुत चीज बढ़ जाती है तो क्या होता है कि आप और ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं इन सारे डिवाइसेस को, तो उसके बाद जो वेस्ट है उसका वो ई वेस्ट वो फिर ऑफकोर्स बढ़ता जा रहा है। फिर इनफॉर्मल रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस, जैसे दिल्ली के सीलमपुर जो है उसके अंदर या मुंबई का धारावी जो है वहां पे आप देखेंगे कि बहुत ही गलत तरीके से रिसाइकलिंग हो रही होती है एंड इट इज नॉट डन इन अ वेरी फॉर्मल मैनर। वर्कर्स जो है जब वहां काम कर रहे होते हैं तो इतने हजार्डस मटेरियल्स के साथ डील कर रहे होते हैं, तो ऑफकोर्स उससे उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम आती है और जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। और सबसे बड़ा इशू क्या होता है इसमें कि जब वो डील कर रहे होते हैं उसके साथ, तो एक बात तो वो हजार्डस है मटेरियल्स, और उसके बाद जो उनके प्रोटेक्टिव मेजर्स भी हैं वो सही तरीके से नहीं ले जा रहे। जिस सेक्टर में वो काम कर रहे हैं बहुत बार वो इनफॉर्मल रहता है, वो फैक्ट्री रजिस्टर्ड नहीं है, तो जिस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर देम। अब इसको मिनिस्ट्री कौन सी संभालती है, कौन जवाब देगा? ई वेस्ट को कौन सी मिनिस्ट्री संभालती है? ई वेस्ट के लिए अगर कोई मिनिस्ट्री देखेगी तो कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी? क्या यार, कम ऑन सर, एनवायरमेंट। यस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री है बेसिकली जो ये सब चीजों को देखती है ई वेस्ट की जब हम बात करते हैं। ओके, तो इसने एक धीरे धीरे रूल्स आते जाते हैं, आप जानते हैं कि प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स हो गए, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, उससे पहले ही बहुत सारे आए, अभी रिसेंटली भी आया था जो 1 अप्रैल से काम करना शुरू हो गया पिछले साल से। और अब आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन क्यों पूछा। ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, e-waste management rules 2022 इसको लागू किया गया, सॉरी लाया गया और एनफोर्स किया गया 1 अप्रैल 2023 से, इस वजह से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। ये रूल्स किस लिए हैं? ताकि ई वेस्ट को मैनेज अच्छे तरीके से किया जा सके एनवायरमेंटली साउंड मैनर में, मतलब अच्छे तरीके से, और इसकी जगह एक बेटर रिजीम जैसे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ये ना हो कि अगर आपने खरीद लिया है और उसके बाद आप उसको अगर बाहर फेंक रहे हैं और वो सब कर रहे हैं बेसिकली, तो वो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी साइकिल जो है पूरी प्रोडक्ट की, बना, बेचा गया और रिसाइकलिंग, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरी साइकिल है, इसके अंदर प्रोड्यूसर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR, ठीक है, वो ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए, जहां पे सभी मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स या जो रिफर्बिशर्स जो हैं,
ठीक है, और जो रिसाइकलर हैं वो एक साथ पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे जो सीपीसीबी ने बनाया। सीपीसीबी क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, दिवाली के टाइम पे जब बहुत ज्यादा वो हो जाता है, ऑफ कोर्स पोल्यूशन हो जाता है दिल्ली वाले रीजन में, एनसीआर वाले रीजन में, तो ये जो है बोर्ड आपको बहुत बार देखने को मिलेगा न्यूज के अंदर। तो ये सब लोग जब एक साथ आएंगे तो वो एक पोर्टल पे रजिस्टर होंगे, मैन्युफैक्चरर बनाने वाले, प्रोड्यूस करने वाले, रिफर्बिश। रिफर्बिश का मतलब बहुत बार आप जैसे इसको सेकंड हैंड बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, सेकंड हैंड असली में कोई वर्ड नहीं होता है, कोई टर्म नहीं है, वो रिफर्बिश्ड फोन होते हैं, रिफर्बिश्ड डिवाइसेस। ठीक है, तो आपने कभी अमेजोन पे ऑनलाइन खरीद रहे होंगे तो बहुत बार कोई चीज 50,000 की है तो रिफर्बिश्ड हो जाती है जब वो दूसरे के पास आती है, तो उसके बाद वो 20-25,000 की सेकंड हैंड जिसको आप बोल सकते हैं वो मिलेंगे। और जो रिसाइकल करने वाले लोग हैं जब साथ में आएंगे तो बेटर तरीके से इस रूल्स को और बेटर किया गया था 2023 के लिए। टू मिटिगेट द इफेक्ट क्या चाहिए? कंसोलिडेटेड एफर्ट्स होने चाहिए मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से जो बना रहे हैं। हम लोग भी, कंज्यूमर्स भी बहुत ही इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स और अवेयर कंज्यूमर्स होने चाहिए, और पॉलिसी मेकर्स जो गवर्नमेंट है, इन तीनों का नेक्सस जो है, ये ट्रायंगल है पूरा, ये कनेक्ट होना चाहिए। जैसे 3 R's का ट्रायंगल होता है ना, रीयूज, रिसाइकल, ये सब आपने सुना होगा, तो वैसे इनका बनना चाहिए, मैन्युफैक्चरर का, कंज्यूमर का और पॉलिसी मेकर्स का। एक अच्छा नेक्सस बनना चाहिए, तभी एक साथ काम करेंगे, तभी हम लोग आगे इस ई वेस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे। रिड्यूस करो ई वेस्ट को जितना हो सके, आपके पास जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो यू नो आइडिया है ऑफ रीयूजिंग या रिड्यूसिंग, मुझे लगता है कि रीयूज से बेटर जो है, ठीक है, इट्स रिड्यूस। तो द कल्चर ऑफ रिड्यूस जो है ना, वो लाना जरूरी है। ई वेस्ट को रिड्यूस किया जाए, रिसाइकलिंग को प्रमोट किया जाए, कोई भी कूड़ा अनअकाउंटेड ना जाए, कोई भी गार्बेज ना जाए अनअकाउंटेड, और ई वेस्ट को उसी तरीके से डील किया जाए। अवेयरनेस को राइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग टुवर्ड्स अचीविंग, यार मेरे गलती, अचीविंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली डिजिटल फ्यूचर। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने डलवाया था। एक तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, G20 पे मैं जब आंसर इवैल्यूएशन करता हूँ और बैचेस का, तो मुझे एक अजीब बात है, G20 के साथ वो लाइफ मिशन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था लॉन्च, वो COP26 में हुआ था 2021 में, वो इसमें नहीं हुआ था। ठीक है, टू ब्रिंग इंडिविजुअल बिहेवियर्स एट द फोरफ्रंट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन नैरेटिव। तो ये COP जो लाइफ, ये जो लाइफ मिशन है ना इनका, कि एक कल्चर जनरेट करना लोगों के अंदर, ठीक है, कि वो ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के खिलाफ काम करें और अपने एनवायरनमेंट को बेटर से बेटर क्रिएट करें और क्लाइमेट का ध्यान रखें। तो लाइफ जो मिशन है, इट्स एन आइडिया बेसिकली, एनविजन्स रिप्लेसिंग द प्रिवेलेंट यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी। यूज किया और फेंक दिया, ये जो इकोनॉमी चलती आ रही थी जिसमें माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन, इसका मतलब बिना, माइंडलेस का मतलब ये नहीं होता कि दिमाग नहीं, इसका मतलब होता है, एक होता है माइंडलेस ईटिंग और एक होता है माइंडफुल ईटिंग। जैसे एक तरीके की ईटिंग तब होती है व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग व्हाइल वॉचिंग अ वीडियो और अ मूवी, उसको बोलते हैं माइंडलेस ईटिंग। इससे क्या होता है कि जो आपका यू नो कंसंट्रेशन चाहिए व्हाइल ईटिंग द फूड दैट इज नॉट गिवन, तो उसके आपके डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाता है। वहीं पे माइंडफुल ईटिंग का मतलब है व्हाइल यू आर ईटिंग यू आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन दैट, तो आपकी डाइजेशन और जो वो शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली काम करते हैं। तो जो माइंडलेस तरीके से हम ध्यान ही नहीं दे रहे यार कितना ई वेस्ट यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं माइंडलेस कंजम्पशन। और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन, गलत तरीके से कि सब कुछ खत्म ही कर दें, वो कंजम्पशन कर रहे हैं कौन सी इकोनॉमी से? यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी से। इसको चेंज करके अभी हमें कहाँ आना चाहिए? सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब यूज हो, वो रिसाइकल, रीयूज, ये पूरा यूज हो, ये होता है सर्कुलर इकोनॉमी, विच वुड बी डिफाइंड बाय माइंडफुल एंड डेलिबरेट यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो सिर्फ कंजम्पशन से काम नहीं चलेगा, बहुत जरूरी है आपको यूटिलाइजेशन भी सीखना पड़ेगा। इफ आई वुड हैव बीन द एग्जामिनर, डेफिनेटली मैं एक लाइफ के ऊपर और मैं सिर्फ एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जरूर डालता स्टूडेंट्स के लिए। मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट आइडियोलॉजी, फिलोसॉफिकल आइडिया जो जरूरी है, क्योंकि हर चीज आप लॉ से नहीं कर सकते हो। लॉ अबाइडिंग सिटीजन कुछ ही होते हैं, बाकी सारे लॉ फियरिंग सिटीजन होते हैं। अगर आप लॉ नहीं रखोगे तो डेफिनेटली वो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे।
तो लाइफ जो है एक आइडिया डालना, एक एक आदत बनाना बेसिकली, कि कैसे आप ये यूज करके फेंकने वाली आदत से बाहर आके उसको बार बार रिड्यूस करो यूसेज उसका, ठीक है, या फिर आप खरीद रहे हो तो सर्कुलर इकोनॉमी चलती जानी चाहिए उसकी, इस पे आना जरूरी है। तो आई वुड हैव डेफिनेटली पुट दिस क्वेश्चन, लेकिन अभी तक नहीं आया है लाइमलाइट में इतना ही क्वेश्चन, ये सिर्फ लोग अपना आंसर को एनहांस करने के लिए यूज करते हैं, बट आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट कि आप इसके जब भी आंसर लिखोगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर आए तो प्लीज इसके बारे में जरूर लिखना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट आते हैं ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। देखो यार ये क्वेश्चन जो है ना, माय प्लान वाज नॉट टू टेल यू अबाउट दिस क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि अब कर रहे थे और आपको बोल दूं हम ये नहीं करेंगे, देन इट वुड हैव बीन अ लिटिल ऑकवर्ड फॉर यू गाइज एंड फॉर मी एज वेल, ऐसा लगता कि कुछ रह गया नहीं कर पाए, ठीक है, तो इसी की वजह से हम लोग कर रहे हैं। ऑफकोर्स ये सीधा पेपर वन के से आपका जो कनेक्टेड है उसे आप डेफिनेटली इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्या लिखना होता है ऐसे टॉपिक्स के अंदर। सीधा पूछा हुआ है कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी क्या है हमारी और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या है। 11th क्लास का इंडियन फिजिकल एनवायरमेंट, ठीक है, ज्योग्राफी जिसको आप पढ़ते हैं, वो है किसका बेसिकली, वो है आपका ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में, और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को दिखाता है चैप्टर 1, 2 एंड 3 पूरा का पूरा देता है वो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इंडिया की। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी आप ज्यादातर जब सोशल इश्यूज को पढ़ते हैं एडिटोरियल्स वगैरह में तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है, या कुछ कुछ चीजें आपको जब आप आर्ट एंड कल्चर में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिलता है इसका, तो वहीं से क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, वहीं से पूछा हुआ है, कोई भी इसका करंट अफेयर्स से कोई कॉनोटेशन नहीं है कि करंट अफेयर्स से कुछ यूज हुआ हो बेसिकली, ठीक है। अच्छा शुरुआत करते हैं, क्या बोला हुआ है कि इंडिया इज अ होम टू, नोटिस दिस, ओके, इंडिया इज अ होम टू 6% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन और पूरे अर्थ का 2.4% सरफेस हमारे पास है, इंडिया के पास है और इंडिया उस पे रहता है, और जो इंडिया की पूरी यू नो कॉम्प्लेक्सिटी है जैसे अनपैरेलल्ड डाइवर्सिटी ऐसी आपको किसी कंट्री में नहीं मिलेगी। तो जब भी ऑफकोर्स डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं आप इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में बताएंगे, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज ओनली होल्ड वन टाइप ऑफ कम्युनिटी और मैक्सिमम 2 or 3, बट वी एज अ नेशन सिंस लास्ट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हैव बीन एबल टू मैनेज अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज टुगेदर लिविंग ऑन अ सिंगल लैंड, एक सिंगल सब कॉन्टिनेंट पे हम लोग रह रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से और हार्मनी के साथ। थोड़े छुटपुट इधर उधर हैं बट जितना मुझे लगता है कि वो मतभेद हैं, मन भेद नहीं है वो, ठीक है, थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं पॉलिटिकल इश्यू की वजह से चार्ज हो जाती हैं कम्युनिटीज, अदरवाइज जब आप अपने पड़ोस में देखेंगे तो आपका कम्युनिटी के बेसिस पे इतना लड़ाई वगैरह नहीं होगा। एक कॉम्प्लेक्स आर्ट ऑफ डाइवर्सिटीज है इंडिया सोसाइटी, बहुत ही एक मतलब समझ रहे हैं डाइवर्सिटीज का एक आर्ट बना हुआ है जो आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत ही सिंपल है, यू नो सीधा लाइंस ड्रॉ कर दी, फिगर्स बना दी, स्क्वायर रेक्टेंगल और ये बता दिया 3 कम्युनिटी ऐसे रह रही है ये सब, दिस इज नॉट हाउ इंडिया वर्क्स। इंडियन सोसाइटी इज वे टू डिफरेंट, तो ये जो अनपैरल डाइवर्सिटी है ना यही इंडिया को इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाती है। अ सैलेड बोल कॉम्प्लेक्सिटी है, मैं तो इसको ये बुलाता हूँ, मतलब अलग अलग तरीके के यहाँ पे वो हैं, ठीक है, आपके न्यूट्रिशियस कंपोनेंट्स हैं और सबकी अपनी अपनी एक यूजफुलनेस है, कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि दिस यू नो kind of salad is not important or वो सब, तो सबका अपना एक contribution है और सब बस ऐसे मिले हुए हैं basically और बहुत अच्छा एक dish बन के बाहर आते हैं, तो salad bowl complexity है लेकिन सब important है और diversity को हम लोग शुरुआत से unity in diversity में भरोसा रखते हैं। We have been basically saying this through Vasudev Kutumbakam as well, one earth one family one future, सीधा यही लेके जाती है कि हम लोग किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है बेसिकली, एंड वी ऑल द कम्युनिटीज लिव टुगेदर। जीव सबसे ज्यादा सेफ कहां पे है, इंडिया के अंदर, इजराइल के बाद, इजराइल में भी अब तो सेफ नहीं रह रहे हैं, बट ये सारी जो कम्युनिटीज हैं जो कहीं पे प्रोसिक्यूट हो रही हैं वो यहां पे आके आराम से रह सकते।
आज आप बात करते हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की, सीधा का सीधा आपकी एनसीईआरटी में है कि लॉफ्टी हिमालयाज नॉर्थ में है, फिर ट्रॉपिकल बीचेस साउथ में है, एरिड डेजर्ट्स वेस्ट में राजस्थान से लेकर ग्रीन फॉरेस्ट लश, इट्स नॉट लिस्ट इट्स लश ग्रीन फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही डाइवर्स लैंडस्केप्स है, ठीक है। अब ये इस पे इतना ज्यादा मैं क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप ये पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, आपने डेफिनेटली ये सारी चीजें पढ़ी हैं, तो उस पे आप आराम से अपने नोट्स यूज करके इसको देखो। पेपर वन का जो है वो आपको तो देखो करना पड़ेगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा उसमें, लेकिन पेपर वन भी प्लीज अपना स्ट्रांग रखेगा। पेपर टू और पेपर वन अलग है, प्लीज ये मत सोचिएगा, बहुत सिमिलर है, बहुत हद तक सिमिलर है, लेकिन लिखने की आदत और लिखने की आर्ट जो है वो आपको अपने आप से नहीं आएगी, ऑफकोर्स वो आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, फीचर्स कैसे कैसे हैं, जैसे गैंगेटिक प्लेन्स है, प्लेन्स है, फिर प्लेटो है, पेनिनसुलर प्लेटो है, फिर थार डेजर्ट आपको देखने को मिलता है, कोस्टल आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, कोस्टल आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे और उसके कोस्टल आइलैंड्स के साथ में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे तरीके के एनिमल्स होंगे, बहुत सारे तरीकों के फ्लोरा मतलब एनिमल्स हो गए, फौना मतलब फ्लोरा मतलब फ्लावर्स हो गए, प्लांट स्पीशीज हो गई, तो फ्लोरा एंड फौना आपको बहुत हद तक वहां पे देखने को मिलेगा, बहुत सारी स्पीशीज हैं। और ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि हम लोग एक बहुत बड़े बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी आते हैं, तो ये भी दिखाता है कि हमारे जो फीचर्स हैं इस कंट्री के वो बहुत ही डाइवर्स हैं। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया की तरह सिर्फ रेगिस्तान है या फिर तिब्बत की तरह पूरा प्लेटो पे बना हुआ है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से ये पूरा लैंड बना हुआ है। और जैसे मैंने काफी टाइम पहले भी क्लासेस में अपने बताया था कि कल्चर जो है वो आपकी ज्योग्राफी डिसाइड करती है, और कुछ भी आपकी उस कल्चर का बैक नहीं हो सकता, कल्चर को डिसाइड ही आपकी ज्योग्राफी करती है, ठीक है। जैसी ज्योग्राफी होगी आपकी, ठीक है, जिस जगह पे आप रह रहे होंगे वैसे ही आपका कल्चर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसी पे आगे चलते हुए हम ये देखते हैं कि यार इतने फीचर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी तो है, अब इसको कनेक्ट करने के लिए जब आप लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पर जाएंगे तो एक केवमैन की तरह जो गुफाओं में रहने वाले आदमी की तरह सिर्फ ये लिख के और फिर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मत लिख दीजिएगा। इट इज अ कॉन्सेप्ट कि आप जिस ज्योग्राफी से आते हैं आपकी जो कल्चर है और ये सारी चीजें वैसी बननी शुरू हो जाती हैं, एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफीज कम्स डिफरेंट कल्चर्स, एंड बिकॉज ऑफ देम कम्स डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड इक्वली इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है, हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। 1500 से ज्यादा लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगी, 1569 आई गेस इतने के आसपास हैं, और उसके बाद फिर आपकी मेजर लैंग्वेजेस हैं, ये छोटी छोटी लैंग्वेजेस और हैं। इसको नाम दिया गया सोसाइटी, जब आप सोशल इश्यूज के बारे में बुक्स पढ़ते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहां पे एक टर्म है लिंग्विस्टिक कैलाइडोस्कोप। बहुत ही एक रंगीन तरीके से बहुत ही तरीके अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस हैं, कल्चरल रिचनेस है एक, और वो जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है ये भी आपको देखने को मिलती है, किस तरीके से एक ही लोकसभा में बैठकर फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज पीपल कम एंड दे यूज देयर ओन मदर टंग, जो रिचनेस है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि वहां पे यूएस की पार्लियामेंट में चले गए या कहां पे चले गए आप कैनेडियन पार्लियामेंट में चले गए तो क्या है वहां पर सब इंग्लिश बोल रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट, ये समझिए इस बात को, द कल्चर दैट वी हैव इज वेरी पावरफुल, और ये हमारी एक बहुत बड़ी ताकत भी बन सकता है और बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम भी बन सकता है। आई होप कि ये ताकत ही बनी रहे जैसे आज तक बना रहा है, और ताकत ही चलता रहेगा तो हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कल्चरल रिचनेस है बहुत ज्यादा, और यही जो है हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाती है। जैसे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस रखी हैं, उनको प्रिजर्व करने की कोशिश की है और लिंग्विस्टिक हेरिटेज जो है उसको प्रमोट करने की कोशिश की है, ठीक है, देखेंगे आप, ठीक है। आई होप आपको शेड्यूल भी याद हो, कौन से शेड्यूल में लिखी है, आउट ऑफ 12 शेड्यूल्स, ठीक है भाई, प्लीज ये चीजें पता रखिएगा। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज इंक्लूडेड द क्लॉज, क्लॉज है इसके अंदर किस लिए, माइनॉरिटी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने का, दिस इज हाउ डाइवर्स आर लैंग्वेजेस आर, दिस इज हाउ वी इंटेंड टू कीप देम प्रोटेक्टेड, हम उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक फंडामेंटल राइट है माइनॉरिटी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करना। माइनॉरिटीज के राइट्स कौन से हैं, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, आई होप यू रिमेंबर। लैंग्वेज पॉलिसी भी इंडिया की जो है वो प्रोवाइड करती है कि हम लोग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को भी प्रोटेक्ट करें, और एक गारंटी देती है उनको।
हमारी जो लैंग्वेज पॉलिसी है वो प्लुरलिस्टिक रही है, आप जानते हैं, हमने प्रायोरिटी दी है मदर टंग को यूज करने के लिए, चाहे एडुकेशन हो जाए, मास कम्युनिकेशन हो जाए, या फिर और जैसे आप एप्स भी यूज करते हैं आजकल, तो उसमें क्या हो गया है कि सिर्फ इंग्लिश और हिंदी नहीं देखने को मिलेगा आपको, उसमें कन्नड़ देखने को मिलेगा, तेलुगु देखने को मिलेगा, मलयालम देखने को मिलेगा, हिंदी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है हमारी, कि बेशक हम एक सब कॉन्टिनेंट में रहते हो, वी आर फॉलोइंग द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, द सेम आइडियल्स एंड द सेम फ्रीडम फाइटर्स, बट स्टिल एथनिकली वी माइट नॉट बी अ कॉपी ऑफ ईच अदर, हम अलग हो सकते हैं। प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बोलते ही इसको है कि आप सिर्फ एक कम्युनिटी को ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते सोसाइटी में, आपको सभी को उतनी ही एक्सेप्टेंस देनी होगी। और ये जो डाइवर्सिटी है हमारी, इट्स अ सोर्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी, बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल रिचनेस। दिस इज व्हाट मेक्स इंडिया द ग्रेटेस्ट नेशन। इसीलिए जो है बेसिकली, मतलब आप, आई होप आप कभी जाएं आगे बाहर देशों में घूम के आए, यू विल रियलाइज कि बड़ा ना, बड़ा ही एक तरफा एक टेस्ट वाले लोग रहते हैं वहां पे। यू विल सी के ऑल ऑफ देम लुक द सेम, समझ नहीं आएगा आपको। Because I've been to some places, I feel के सब लोग ना जैसे कि आपको लगेगा यार कल्चर में कोई डिफरेंस ही नहीं है, मतलब कल्चर में कुछ 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 यू नो यूनिक नहीं है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, एवरीबडी इज फॉलोइंग द सेम थिंग, द सेम लैंग्वेज एंड एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पे फर्क है, वो डाइवर्सिटी है हमारे पास, एंड टाइम एंड अगेन टेस्टेड है, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसकी जिम्मेदारी निभाई भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है, इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से क्या मतलब है, कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। कोल्ड वॉर का टाइम याद है, ठीक है, दो लोग थे यूएस एंड यूएसएसआर, बर्लिन वॉर गिरी, यूएसएसआर टूटने लगा, डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का 1988-89 के बाद, और उसके बाद 1991 तक आते आते कैपिटलिज्म जीत गया और यूएस बिकेम द सुपर पावर। एंड वहां से लेकर सिंस वेरी रिसेंटली चीजें बदल चुकी हैं। यूजुअली यूएस वॉज द वन हु यूज टू डिसाइड फॉर अदर नेशंस एंड यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री, एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यूएस वॉज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स फॉर अ लॉट ऑफ कंट्रीज। अब नहीं रहा ऐसा, कुछ सालों में कुछ चीजें चेंज हुई हैं। ये जो यूनिलैटरलिज्म के एक तरीके से वर्ल्ड चलेगा, ये यूनिलैटरलिज्म से अब हम आ गए हैं मल्टीलैटरलिज्म के तरीके से, ठीक है। अब सिर्फ एक कंट्री डिसाइड नहीं करेगी द फ्यूचर ऑफ द एंटायर प्लैनेट, अब लोग आ गए हैं, कौन कंपटीशन में आ गए हैं, अ लॉट ऑफ मेजर रीजनल, मैं रीजनल नहीं बोलूंगा, मैं इकोनॉमिक सेंटर्स बोलूंगा आपको, इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल सेंटर्स। अच्छा, ये बात मैंने फर्स्ट क्लास में समझाई थी कि हर सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है। अब ये इंटरनेशनल रिलेशन से के ऊपर सब्जेक्ट है, तो जियोपॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, ये सब टर्म्स यूज होते हैं, तो हर किसी की एक लैंग्वेज होती है सब्जेक्ट की। वो लैंग्वेज अगर आपको समझ आ गई तो वो सब्जेक्ट भी समझ आ जाएगा। तो मल्टीलैटरलिज्म की हम बात कर रहे थे, तो ये जो जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सेंटर्स बन गए हैं, जैसे इंडिया एंड चाइना, यूएस को मैं बता रहा था अभी कि यूएस के कितने भी CIA एजेंट्स यहां पे आए, बट हमें लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। यूएस हमारे को ऑफ कोर्स गिराना चाहता है, डिसइंटीग्रेट करना चाहता है उस तरीके से, ताकि जो गवर्नमेंट्स हैं वो वापस यूएस की सुनने लगें और वीक हो जाएं। लेकिन इसलिए नहीं गिरा रहे हैं वो सरकार, उनको पता है कि आगे चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया लगेगी, उनको इंडिया की बहुत हेल्प चाहिए होगी उनको, इसलिए वो पूरा का पूरा खत्म नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स वो इतना वीक कर देंगे कि हम उन्हीं के कॉलोनीज बन जाए, जैसे पाकिस्तान है, ठीक है। चाइना और इंडिया एक इतना बड़ा प्रॉब्लम खटकने लगे हैं हम लोगों को, क्यों? क्योंकि यूनिलैटरलिज्म से अब मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं हम, और अब डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े सेंटर्स बन गए, मेजर सेंटर्स।
और अब वर्ल्ड ऑर्डर धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। अब एक सेंटर से मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी हो रही है? चाइना और इंडिया की। अब ये मेजर सेंटर्स बन चुके ग्रोथ के। तो कोल्ड वॉर के बाद जो ये मल्टीलैटरलिज्म आई है, जिसमें अब ये सिर्फ एक कंट्री सबके ऊपर नहीं बैठी है, अब ये सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं मल्टीपल कंट्रीज के साथ। लेकिन कोविड के टाइम पे ये इशू दिखा था हमको, कुछ टाइम पे थोड़ा थोड़ा चेंज हो रही थी। पोस्ट कोल्ड वॉर मल्टीलैटरलिज्म वो एक पीरियड दिखाती है जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1991 में, जब बहुत सारी कंट्रीज थी, ठीक है, वो अराउंड द वर्ल्ड एंगेज्ड इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इश्यूज सच एज ट्रेड, जैसे WHO आपको WTO याद होगा आपको, ठीक है, उससे पहले जो था वो अलग था, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स और इन सब पे आपको देखने को मिलेगा। जियोपॉलिटिक्स जो है वो हमेशा एवर चेंजिंग रही है। कोई ब्लॉक्स आज यहां पे हैं, दूसरे ब्लॉक्स वहां होंगे, कोई ब्लॉक्स आज किसी के साथ हैं वो टूटकर कहीं और जुड़ रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये चेंज हो रहा है, एवर चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स है। आज कोई किसी का फ्रेंडली मेंबर हो सकता है, फ्रेंडली पार्टनर हो सकता है, कल को उसी के साथ इश्यू हो जाएगा। ठीक है, जब न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की थी हम लोगों ने, तो क्या हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के साथ किया था, तो ऑफकोर्स उन्होंने वो डाला था उनके ऊपर जोर कि अब जो है आपको सैंक्शंस देखने को मिलेंगे, एंड दैट वाज द गवर्नमेंट हु सेड कि जितना सैंक्शंस लगाना लगा लो, हमें कोई मतलब नहीं। तो वहीं से समझ तो आ गया था US, क्योंकि भाई कुछ चीजें बदलती जा रही हैं इंडिया की। उसके बाद बहुत खराब रहे थे रिलेशंस, बट फिर धीरे धीरे जो है 2011-12 के बाद धीरे धीरे रिलेशंस बेटर होने लगे, और ऑफकोर्स अभी पिछले 10 सालों से रिलेशंस आर गुड, लेकिन कुछ कुछ चीजें वो करते जा रहे हैं, CIA बैकड है क्योंकि सारी चीजें वहां पे, तो क्या करते जा रहे हैं वो, कुछ कुछ प्रेशर हम पे डालते हैं, बट थैंकफुली इंडिया इज नॉट टेकिंग ऑल द प्रेशर। पोस्ट कोल्ड वॉर मल्टीलैटरलिज्म वॉज बेस्ड ऑन लिबरल प्रिंसिपल्स, लिबरल प्रिंसिपल्स पे था, जैसे डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, फ्री मार्केट्स, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस थे जैसे यूनाइटेड नेशंस, EU, यूरोपियन यूनियन जो है आपकी, ठीक है, उसमें से भी ब्रेक्सिट हो गया था अगर आपको याद हो कुछ साल पहले, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस मतलब आसियान हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी जो है ना इन लिबरल प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ा के रखने की कोशिश कर रहे थे, तो चीजें वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रही थी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के क्या है, एक्सपेंशन हो गया, बढ़ गया है अब थोड़ा सा, एक सेंटर नहीं रहा है, अब डाइवर्सिफिकेशन हो गई है एग्जिस्टिंग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब UN के पार्टनर सिर्फ कुछ मेजर इकोनॉमीज ही रहेंगी, वो खत्म हो गया है। IMF के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो सिर्फ एक दो कंट्रीज होंगी, वो चेंज हो गया। वर्ल्ड बैंक में फोकस सिर्फ कुछ कंट्रीज करेगा, वो चेंज हो गया, डाइवर्सिफिकेशन आ गया है। ठीक है, और इस डाइवर्सिफिकेशन में जब अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हुई है, समझिए इस बात को, जब इतनी सारी कंट्रीज जब एक साथ आने लगी है, तो वहां पे इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो सकता है। और COVID-19 में आपने देखा भी था कि किस तरीके से हम लोगों ने वैक्सीनेशन ड्राइव जो चलाई है दूसरी कंट्रीज के में जाके, रिसोर्सिस की जो अवेलेबिलिटी कराई है दूसरी कंट्रीज को, तो डेफिनेटली इट हैज गिवन एन आइडिया टू द एंटायर वर्ल्ड दैट वी आर नॉट अ वेरी नॉर्मल कंट्री, वी आर हियर टू स्टे। बहुत सारी आवाजें और जुड़ने लगी हैं, मोर वॉइसेस और पर्सपेक्टिव्स, कहां पे, ग्लोबल साउथ से और या डेवलपिंग वर्ल्ड से, यहां से आ रही है बहुत सारी। फिर क्या हुआ कि खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नई रीजनल और सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ब्रिक्स बनी, अफ्रीकन यूनियन बनी, आसियान, यूरोपियन यूनियन, कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हुई, क्योंकि इंडिया इतना इंपॉर्टेंट था तभी तो उसका नाम इंडियन सब कॉन्टिनेंट पड़ा है ना, या इंडियन ओशन पड़ा है, समझ के देखिए। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सी हो गई, सार्क हो गई, बिम्स्टेक हो गई। तो सिर्फ एक पावर नहीं थी, अब डिफरेंट डिफरेंट पावर्स बनने लगी हैं, जिसका मतलब था कि रीजनली इंटीग्रेट करो अपने आप को। ऐसा नहीं है कि आप एक रीजन में हैं तो एक दूसरे से लड़ी रहे हो, जरूरी है कि आप इंटीग्रेट करके रखो, एक दूसरे की डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के बारे में सोचो और कोऑपरेट करो। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड बेसिकली आप देखने को मिलेगा आपको,
ये नहीं वाइट एंड ब्लैक होगा, देर आर ऑल्सो सम शेड्स ऑफ ग्रे, मल्टीपोलर वर्ल्ड वेयर नो सिंगल कंट्री और ब्लॉक कैन डोमिनेट और डिक्टेट द ग्लोबल एजेंडा, जो मैं बता रहा था यूएस को लेकर, कि वहां पे एक ब्लॉक या एक कंट्री ही डिसाइड करेगी कि सारी चीजें, जैसे यूएस डिसाइड करती थी सारी चीजें जब उसके एलाइज वगैरह थे, सारे लोग थे, और यूएसएसआर डिसाइड करती थी उन सब कंट्रीज के लिए जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है? तो उस तरीके से जो वो ब्लॉक्स, एक ही ब्लॉक या एक ही कंट्री पूरी जगह को डोमिनेट कर रही थी, अब ऐसा नहीं है। अब नए नए डायलॉग्स और नेगोसिएशंस आने लगे हैं, और उससे क्या हो गया है कि मल्टीपोलैरिटी आ गई है। सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकता है, बहुत सारे कलर्स अब जुड़ गए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे यहाँ आता है कि हाउ कैन इंडिया शेप द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है? पहले हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करेंगे, ऑफकोर्स ये किया हमने, ठीक है? अब इसमें इसका क्या काम है, क्योंकि आप सीधा शुरू कर देंगे कि इंडिया का ये रोल है, आप एग्जामिनर को समझा ही नहीं पाएंगे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होता क्या है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये तो बहुत सारा लिखा है मैंने, ताकि आपको छोटे से छोटी जगह पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे सकूं, क्योंकि चीजें बदल रही हैं, एंड द वे इंडिया इज रिएक्टिंग टू ऑल ऑफ इट, इसका घूमा हुआ कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा। बेशक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से ना आए, आपकी जो $30 trillion इकोनॉमी का जो प्लान है, या फिर एक डेवलप्ड वर्ल्ड बनने का प्लान है, वो किस तरीके से उसमें पोटेंशियल है, ठीक है, टू लीड द एंटायर सब कॉन्टिनेंट या फिर अपना रीजन, या किस तरीके से एक बहुत बड़ा एक जिग्सॉ पजल का पीस बन सकता है इंडिया, ठीक है, कि वो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्ट्रीब्यूटर बने टू दी ग्लोब आ सकता है। इसलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेंगे। कैसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, जैसे क्वाड और आसियान हो गए, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में हो गए, ठीक है, बहुत सारे रीजनल एंड सब रीजनल फोरम्स में एक बहुत बड़े लेवल पे प्ले कर सकता है, लेवल प्लेइंग फील्ड खेल सकता है साथ में, और एक डोमिनेट भी कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज इट हैज द पोटेंशियल। तो रीजनल फोरम, सब रीजनल फोरम्स की बात कर रहा था मैं, क्या हो गया वो सब रीजनल, आपका सार्क और बिम्स्टेक हो गया। और क्योंकि वी बिलीव इन अ फ्री एंड ओपन सोसाइटी, अब इसको ध्यान रखना कि इंडिया का ना कुछ आइडियोलॉजी भी बता सकते हो आप, व्हेन अदर कंट्रीब्यूज कंट्रीब्यूट और इन्वेस्ट इन सम अदर कंट्रीज द एंटायर इंटेंशन इज डिफरेंट, लेकिन हमारी इंटेंशन हमेशा होती है कि सब एक साथ डेवलप हो। तो कौन सा हो गया, सबका साथ सबका विकास, ये है हमारी आइडियोलॉजी। और इस आइडियोलॉजी के साथ जब हम इस रीजनल ब्लॉक्स में अपना रोल प्ले करेंगे, तो पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, एंड यू कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। हम जो है बेसिकली फ्री एंड ओपन रीजन, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो इंडो पैसिफिक रीजन पड़ता है ना, तो उसको एक बहुत ही फ्री एंड ओपन जगह पे, बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ, सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट, ये फिलीपींस और वियतनाम की जो लड़ाई चल रही होती है साउथ चाइना सी की वजह से और चाइना की वजह से, उसकी बात हो रही है, पीसफुल रेजोल्यूशन डिस्प्यूट्स का, ये अच्छे से हो जाए, हम इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी का एक बहुत बड़ा, ठीक है, साउथ चाइना सी या फिर ये जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर चाइना की जो अग्रेशन है, उसको बहुत अच्छे तरीके से हम रोक सकते हैं, और इंडो पैसिफिक रीजन में एक फ्री एंड ओपन सोसाइटी बना सकते हैं रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे, और सोवरेनिटी सबकी बरकरार रहे। मैरिटाइम जो है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी हम एनहांस कर सकते हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं के साथ, ताकि जो असर्टिवनेस या अग्रेसिवनेस जो इंडियन ओशन में देखने को मिलती है, या मैरिटाइम में भी देखने को मिलती, हम इंडियन ओशन की सिर्फ बात नहीं करेंगे, मैरिटाइम स्फेयर में जब हम बात करते हैं पूरा ट्रेड में और वो पूरा उसमें, ठीक है, आइलैंड्स में, तो वहां पे क्या होता है कि चाइना की बड़ी अग्रेसिव पॉलिसीज हमें देखने को मिली है। तो और वो प्रॉब्लम सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो प्रॉब्लम वहां पे रहने वाले सभी लोगों के लिए। तो हम बेसिकली लाइक माइंडेड कंट्रीज जो हमारे जैसा ही सोचती हैं, जैसे क्वाड की बात कर लेते हैं, तो हम उनके साथ कोऑपरेशन कर सकते हैं, ताकि जो चाइना की असर्टिवनेस या अग्रेसिवनेस जो है ना इस रीजन में, इसको हम काउंटर चैलेंज कर सके, क्योंकि हमारे लिए भी तो इशू है ही, बाकी लोगों के लिए भी बहुत इशू है। इंडिया कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द री ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस by diversifying its trade and investment partners, especially global south के अंदर, re-globalization एक नया, एक और era start कर सकता है,
अपनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को सिर्फ एक जो हमारी पर्टिकुलर कंट्रीज में जा रही है सिर्फ वहां तक सीमित नहीं, और भी आगे बढ़ाकर बेसिकली अलग लेवल पे हम लोग एक और नई चेन स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशली इन द ग्लोबल साउथ। आपका अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया और ये हो गया। अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को एनहांस करें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत हिट ले रहा है हमारा बहुत टाइम से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्पोर्टेंट रोल प्ले कराया जाए उसका, सर्विसेज में कंट्रीब्यूशन और बढ़ाया जाए और इनोवेशन में, ठीक है। तो ये सारी चीजों से बेसिकली क्या हो सकता है कि हम अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े लेवल पे पूरा का पूरा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है ना उसको चेंज कर सकते हैं, ग्लोबल साउथ के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि ग्लोबल साउथ माननी पड़ेगी बात, और आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं, ग्लोबल साउथ हैज बीन अनहर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देर आर स्टिल सम चैलेंजेस दैट आर देयर, जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो ग्लोबल साउथ को हम लोग लीड कर सकते हैं यूएनएससी में। इंडिया कैन आल्सो एडवोकेट फॉर अ मोर डेमोक्रेटिक एंड इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम, बिकॉज वी बिलीव इन दैट वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो जो ये ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम है, जैसे मैं अभी यूएनएससी की बात कर रहा था सिक्योरिटी काउंसिल की, तो वहां पे इक्विटेबल सिस्टम हो, ठीक है, सभी रीजन से लोग आने चाहिए, ये नहीं सिर्फ पांच कंट्रीज हैं P5 मेंबर्स परमानेंट फाइव सिर्फ वही चीज चलाएंगे, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करे द रियालिटीज एंड द एस्पिरेशंस ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो जो बढ़ रही हैं इकोनॉमीज, जो अब आगे आ रही हैं, जैसे बांग्लादेश हो गई, बहुत अच्छा काम कर रही है बांग्लादेश, इंडिया हो गई, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो बेसिकली जो कंट्रीज आगे आ रही हैं इनकी भी कुछ एस्पिरेशंस होंगी, कुछ उम्मीद होंगी, तो इन इकोनॉमीज की उम्मीद को फुलफिल किया जाए, वो इंडिया उसके लिए एक बहुत बड़ा वॉइस बन सकता है, बहुत बड़ा लीडर बन के निकल सकता है। इंडिया कैन यूज इट्स होस्टिंग ऑफ द G20 समिट, किस तरीके से, ताकि वो अपने विजन और अचीवमेंट्स को शोकेस कर सके एज अ ग्लोबल लीडर, ठीक है। और जो सबसे बड़े इश्यूज आज कौन से हैं, क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा इशू है आप जानते हैं, उसके अंदर हमारा नेट जीरो विजन 2070, उसके बाद हमारा बहुत अच्छा हमेशा गोल रहता है जैसे COP26 में लाइफ जैसा, ये चीजें, तो ये सारी चीजों से हम बेसिकली जो मेजर इश्यूज हैं इस वर्ल्ड के, उन मेजर इश्यूज को भी हम लोग आगे लेके जा सकते हैं, बिकॉज वी हैव द पोटेंशियल। और नेचर हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स। This is the place, ये वो जगह है जहां पे पेड़ों को पूजा जाता है। So the respect of climate, respect for the climate, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है इस इंडियन सिविलाइजेशन का। तो हम आगे टॉर्च बियरर भी हो सकते हैं उसके लिए, कि हम बहुत अच्छे तरीके से क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डिजिटली जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है अपने UPI के साथ, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, हम लोग पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर में डिफरेंट स्फीयर में, डिफरेंट एराज में, अलग अलग डिफरेंट एरियाज में हम लोग लीड कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव द पोटेंशियल। इंडिया कैन ऑल्सो ग्रिप ब्रिज द गैप बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में जो गैप है उसको बहुत अच्छे तरीके से हम फुलफिल कर सकते हैं, और जो है ग्लोबल साउथ को भी और डेवलपिंग कंट्रीज को भी एक आवाज दे सकते हैं, ठीक है। तो हम एक वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो इंक्लूसिव हो एंड ऑप्टिमिस्टिक हो। ठीक है, दिस इज अबाउट इंडिया एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास साइबर सिक्योरिटी। थैंकफुली हमने अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ाया है ये अपने बैच के अंदर, तो हमें आइडिया है बेसिकली किस तरीके से हो रहा है। रिसेंटली क्या हुआ था कि अभी अक्टूबर 2023 में ही, पिछले छह सात महीने पहले क्या हुआ कि एक रिपोर्ट आई, एक US कंपनी है रीसिक्योरिटी, जिसने बताया कि इंडियंस का ना पर्सनल डेटा बहुत बड़ी तादाद में डार्क वेब पे अवेलेबल है, और वो कुछ हजारों डॉलर्स के अंदर बिक रहा था। कितना? बहुत सारा डेटा, मिलियंस ऑफ पीपल्स डेटा, आधार कार्ड हो गए, ठीक है, उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गई, वो सारी डार्क वेब पे सर्कुलेट कर रही थी और कुछ थाउजेंड डॉलर्स के अंदर ही बिक रही थी वो सारा डेटा, ठीक है।
लेकिन अगर आप इसकी सेंसिटिविटी को नोटिस करेंगे कि तो ये बहुत बड़ा एक इशू है, ठीक है। तो क्या हो रहा था, द सेलर ऑफ द डेटा वॉज प्रोवाइडिंग वेरीफाइबल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। वेरीफाइबल मतलब जो आपकी इंफॉर्मेशन जो आप यूज करते हैं आइडेंटिटी कार्ड्स, वो और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन 55% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, 81.5 करोड़ लोगों की जो डेटा था, इंफॉर्मेशन थी, वो डार्क वेब पे घूम रही थी और उसकी बोली लग रही थी। देखिए किस तरीके से साइबर अटैक्स जो हैं वो आज एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए, समझिए इस चीज को। इंडिया का स्टेटस देखते हैं, इंडिया एक बहुत ही लार्ज और ग्रोइंग पॉपुलेशन है, खासकर इंटरनेट यूजर्स की। चाइना के बाद हम सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है हम लोग। और 52% जो हमारी पॉपुलेशन है, या फिर 759 मिलियन या 75 करोड़ के आसपास जो लोग हैं, वो एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट को, ठीक है, 2022 के डेटा के हिसाब से, विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर, ट्रस्ट मी, कंपेरेटिवली इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर, 75 करोड़ इन आर ओन कंट्री, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। 2025 तक माना जा रहा है कि 90 करोड़ तक जा सकती है, 900 मिलियन तक जा सकती है, ठीक है। तो ये इंडिया का स्टेटस आज है कि क्या हो रहा है, चैलेंजेस क्या है हमारे पास, समझिए इस बात को। अब आपकी जो डिजिटलाइजेशन है, ठीक है, या फिर आप साइबर सिक्योरिटी की बात कर लें, या फिर जो हमारा साइबर स्पेस की बात कर रहे हैं आप, अब वो किसी एक जगह तक तो सीमित है नहीं, ऑफ कोर्स सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर्स तो यूज नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल जो है गवर्नमेंट्स भी जो है आजकल वो अपना जितनी भी सारी डिटेल्स होती हैं वो कहाँ डालती हैं, बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, बैंकिंग सिस्टम्स में, बैंकिंग हो गई, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सारी चीजें जो आपके न्यूक्लियर कोड्स हो गए, न्यूक्लियर डिटेल्स हो गई, आपकी जो डिफेंस की कैपेबिलिटीज की जो डिटेल्स हैं, ठीक है, डिफेंस के बारे में, ये सारी चीजें कहाँ होती हैं। ऑफकोर्स आप पेपर पे तो रख नहीं सकते, बिकॉज दे आर सब्जेक्टेड टू टीयर, वो फट सकते हैं, खराब हो सकते हैं, खो सकते हैं, आपको कहाँ रखना पड़ेगा, यू हैव टू, ठीक है, ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा, यू हैव टू कीप इट समवेयर विच इज साइबर सिक्योर। लेकिन ये जो साइबर स्पेस है हमारा, जो हमने बहुत, अब ऑफकोर्स सारी डिटेल्स वहां पे हैं, तो उससे चैलेंजेस बड़े सारे हैं। तो साइबर अटैक्स की अब हम बात करेंगे कि कैसे एक बहुत अलग तरीके का वॉरफेयर बन रहा है। एग्जाम्पल से आप शुरू कर सकते हैं कि चाइना एंड रशिया, दे आर दी मोस्ट इमर्जिंग यू नो कंट्रीज फॉर हैकिंग। हैकर्स बहुत सारे निकलते हैं, और जितने भी हमारी हैकिंग होती है मेजरली, वो इन दो एरिया से ही होते हुए आती है वर्ल्ड वाइड, बहुत अच्छे अमाउंट। अब पता नहीं वो गवर्नमेंट बैक्ड है या फिर वो फ्रीलांसर्स हैं, वी हैव नो आइडिया, बट यस, बहुत बार देखा गया है कि चाइना और रशिया से बहुत सारे हैकर्स के इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे डिफेंस की मैं बात कर रहा था अभी, न्यूक्लियर कोड्स की, ये सब चीजों की बात कर रहा था, इसकी वल्नरेबिलिटी है बेसिकली। ये वल्नरेबल हो चुका है कि हमने जो डिटेल्स रखी हैं, कल को कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पावर ग्रिड्स, अभी थोड़ा टाइम पहले पावर ग्रिड्स भी हैक हो गए थे, और आप पावर ग्रिड्स को बंद कर दोगे, पावर ग्रिड्स मतलब जो पूरी पावर की सप्लाई है पूरे एरिया के अंदर, अगर आप उसको बंद कर दोगे तो भाई कितना नुकसान हो सकता है, आप अपने घर का मत सोचिए, आपको लगेगा हाँ हमारा तो बिजली का बिल बचेगा, नहीं, बट दी वर्ल्ड इज नॉट, और पर से दिस कंट्री इज नॉट रनिंग बिकॉज ऑफ यू ओनली, इट इज रनिंग बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ कंपनीज, लॉट ऑफ फैक्ट्रीज, लॉट ऑफ यूनिट्स वर्किंग टूगेदर, तो वो खराब हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स की बात कर लो, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की बात कर लो, कम्युनिकेशन सिर्फ फोन से फोन भी करोगे तो वो भी जो है सारी डिटेल्स अगर आपकी जाएंगी तो भी इशू है। तो ये जो सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे, इन पे ना साइबर अटैक्स के बहुत सारे चीजें देखे गए हैं, जो कि एसेंशियल सर्विसेज को, जैसे मैंने बताया पूरे रीजन में एसेंशियल सर्विसेज चल रही होती हैं, एकदम से आपने इन चीजों के कनेक्शन काटे, सब एकदम से बंद, तो वो पब्लिक सेफ्टी को भी और नेशनल सिक्योरिटी को बहुत हार्म कर सकती है। जैसे कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक इशू हुआ था 2019 में, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एक खतरे में आ जाता है, तो हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा इशू है वो, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर थ्रेट्स हो गए, आप फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में सुनते होंगे बहुत ज्यादा,
फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया है वो भी क्या है कि बहुत हाई रिस्क पे है, और साइबर क्रिमिनल्स देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा, जो स्टीलिंग और एक्सटॉर्टिंग मनी ये सारा प्रोसेस से करते हैं। रैनसमवेयर आपने सुना होगा बेसिकली, कि आपकी कंप्यूटर को लॉक कर दिया और उसके बाद आपसे पैसे मांग रहे हैं, रैनसम मांग रहे हैं, या फिर घूस बोल सकते हैं, या फिर जो भी नाम दे रहे हैं, रैनसम बोलते हैं उसको, आपसे रैनसम मांगेंगे, जब आप वो दोगे तब आपका वो कंप्यूटर खोल के देंगे आपको। बेसिकली स्टीलिंग और एक्सटॉर्टिंग मनी, इस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स काम करते हैं, बैंक्स के ऊपर काम करते हैं। बहुत बार इंडिया के अंदर ही बहुत सारे बैंक्स के सिस्टम्स के ऊपर वो हुआ है, जिससे क्या हो सकता है कि आपका डिटेल्स तो जा ही सकती है, बाकी जो इनोसेंट लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनका सबका पैसा जा सकता है, जो कि एक फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है पूरी कंट्री के ऊपर। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स, चाहे UPI, अब ऑफकोर्स डिजिटाइजेशन की हम तरफ जा रहे हैं, डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, वो तब तक सपोर्ट में मतलब काम नहीं कर पाएगा जब तक वो सेफ और सिक्योर ना हो। तो उससे फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, आइडेंटिटी भी जा सकती है आपकी, और फाइनेंशियल सिस्टम में जो ट्रस्ट है वो लूज हो सकता है। जैसे लोगों का पहले ज्यादा ट्रस्ट नहीं था बैंक में, पीपल यूज टू कीप देयर मनी इन देयर होम ओनली, कि बैंक ना खत्म हो जाए, ये सब ना हो जाए, वो सब। लेकिन अब धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप हुआ है, लॉकर्स में ही लोग अपने घर पे सामान रखे ना रखें, वो लॉकर्स में रख देते हैं सामान, क्योंकि उनको लगता है कि बैंक ज्यादा अच्छे से सेफ रखेगा सारी चीजों को। तो ट्रस्ट जो बिल्ड हुआ है फाइनेंशियल सिस्टम के लिए इस कंट्री में, वो अगर खत्म हो गया तो फिर उसके लिए बहुत इशू हो सकता है। डेटा ब्रीच और प्राइवेसी कंसर्न्स की बात करें, तो क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं, तो पर्सनल एंड गवर्नमेंट डेटा स्टोर जो है, ऑनलाइन जो स्टोर है, वो बढ़ता जा रहा है। आपके फोन के अंदर आपको लगता है कि जो चीजें हैं दे आर सेफ, दे आर नॉट, एवरीबडी इज लिसनिंग टू यू। हाँ, ऑफकोर्स आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टूगेदर, लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट हो गए तो ऑफकोर्स आपको जो गवर्नमेंट होगी दे विल प्रोवाइड यू अ डिफरेंट डिवाइस, अगर आप किसी मेजर ऐसे डिपार्टमेंट्स में जाते हैं। बट आपको कोई सुन रहा है फिलहाल, आप ही के लैपटॉप से, आप ही के फोन से, एवरीथिंग, यू आर बीइंग हर्ड, यू आर बीइंग वॉच्ड, एवरी सिंगल थिंग इज बीन टेकन। तो इफ यू थिंक दैट यू कैन सेव समथिंग इन योर फोन एंड जस्ट यू नो उसको सेव कर लोगे, और आपको लगता है कि कहीं पे डाल दोगे उसको अलग से, एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज कैप्चर मत कीजिए, ऐसी कोई भी चीज सेव मत कीजिए अपने फोन में, जो कि एक बहुत बड़ा इशू आपको बाद में क्रिएट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसी आदत हो गई है हमारी, अब तो हम जब बात भी करते हैं तो माइक को ढक लेते हैं, बेसिकली दिस इज द रियलिटी। साइबर एस्पियनाज की बात करें तो ये कैसे होता है कि आप क्या करते हो कि कंट्रीज के जो इंटरेस्ट हैं, या फिर जैसे हमारे रिलेशंस है US के साथ और हमारे डिफेंस के डील्स हो चुके हैं, तो बेसिकली क्या है, जो हमारे स्ट्रैटेजिक डिटेल्स हैं उसको निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे जो फाइव आइज अलायंस की बात आपने सुनी होगी, इफ यू रिमेम्बर, जिसने बोला था कि हमने बताया है कि कनाडा में वो जो किलिंग हुई है वो इंडिया ने किया है, दैट्स बुलशिट। लेकिन स्टिल फाइव आइज अलायंस जो इतना इंपॉर्टेंट दिखा रहे हैं वो लोग, दैट्स द वर्स्ट अलायंस एवर मेड। उस अलायंस के अंदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है उससे सब चिढ़ते हैं, बाकी सारे मेंबर्स। क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि चाइना की प्रेवेलेंस जो है अभी वो धीरे धीरे कम हुई है शायद थोड़ी सी, लेकिन 2020 से पहले तक, 2018 से पहले तक बहुत बड़े लेवल पे चाइना की इंटरफेरेंस थी ऑस्ट्रेलिया में। और वो जो फाइव आइज अलायंस के डील्स हो रहे थे, स्ट्रैटेजिक डील्स, वो सब उसकी काफी कोशिश की थी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रहते हुए वो सारी डिटेल्स को चोरी करने की। तो फाइव आइज अलायंस में भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जिसके बारे में ऑफकोर्स हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है अभी बात करना, तो हम बात नहीं करेंगे उसमें। तो साइबर एस्पियनाज जो है, स्पाई करना, ठीक है, किसी कंट्री के ऊपर, कंट्री के पूरे सिस्टम के ऊपर या इन सब के ऊपर, तो इंडिया लाइक अदर कंट्रीज इज अ टारगेट फॉर साइबर एस्पियनाज एक्टिविटीज, ताकि वो जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो स्टील की जा सके, और उसके बाद जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, अभी हमारा RNAW का तो इतना नाम नहीं होता है, लेकिन अब क्या हो गया कि पिछले 10-12 सालों में इतनी अच्छी अच्छी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, RNAW ने इतने ज्यादा जो है अलायंसेस बनाई हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, सो वी आर वेरी हैप्पी, द एंटायर डिपार्टमेंट इज वेरी हैप्पी कि हाँ यार RNAW जो है IBB साथ में काम करता है, तो RNAW एक बहुत अच्छे तरीके से अलायंस कर रहा है, इट इज गिविंग ट्रेनिंग टू अदर पीपल, टेकिंग द ट्रेनिंग, बहुत अच्छा है। तो अभी हम भी उस लेवल पे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो क्या करते हैं कि जो साइबर एस्पियनेज एक्टिविटीज होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टील करती है। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बन सकता है, फॉरेन पॉलिसी
और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सभी के लिए बहुत बड़ा इशू है। इंडिया ने क्या क्या किया है साइबर अटैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, साइबर अटैक्स को टैकल करने के लिए? साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव इसलिए हुआ था ताकि जो अवेयरनेस है लोगों के अंदर साइबर क्राइम्स की, ठीक है, वो बढ़ाई जा सके, और सेफ्टी मेजर्स फॉर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स और फ्रंटलाइन आईटी स्टाफ, सभी के लिए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं उनके लिए बेसिकली सेफ्टी मेजर्स बनाए जाएं और लोगों को अवेयर कराया जाए इन साइबर क्राइम्स के बारे में। फिर I4C है जो बहुत रहा था एग्जाम, वो उसमें एग्जाम के सिलेबस में भी रहा था और मतलब करंट अफेयर्स में भी बहुत सालों तक रहा है बेसिकली। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये सेंटर इसलिए बनाया गया टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क एंड इकोसिस्टम फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इनके लिए जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट किया गया ताकि वो साइबर क्राइम से डील कर सकें इन अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। ये टर्म्स तो जी जिंदगी भर ना यूज कीजिएगा, जब भी स्कीम्स की बात आए तो स्कीम्स में अच्छा क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं, बस बेटर क्या है उस सीन में, कॉम्प्रिहेंसिव है और कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे। ये कुछ कुछ टर्म्स हैं जिनको रट लीजिए। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इसलिए है ताकि एक साइबर स्पेस बनाया जा सके सभी के लिए, जो citizens, सभी citizens के लिए एक ऐसा साइबर स्पेस, साइबर स्पेस मतलब जहां पे आपकी सारी डिटेल्स है, जहां पे आप अपनी डेटा को जो है प्रोसेस करते हो, जहां पे अपने डेटा को यूज करके यू कनेक्ट विद पीपल, तो उसको सेफ बनाया जा सके सिटीजन्स के लिए जो बिजनेस यहाँ काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट सभी के लिए। फिर एक साइबर स्वच्छता केंद्र भी बनाया गया जिसको बॉटनेट क्लीनिंग एंड मॉलवेयर एनालिसिस सेंटर भी है बेसिकली, ठीक है। वो क्या है कि बॉटनेट्स होते हैं जो जिनका काम ये होता है कि एक सर्टेन जो आप उनको कमांड दोगे उसको फुलफिल करते रहे। जैसे आपने सुना होगा कि ये बॉट आर्मी है, बॉट आर्मी का मतलब क्या होता है कि जैसे सर्टेन यूट्यूबर्स ऑफकोर्स लेफ्टिस्ट जो है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं, वो क्या करते हैं कि दे अपलोड अ वीडियो एंड इन द कॉमेंट सेक्शन जस्ट टू मेक द वीडियो वायरल दे स्टार्ट यूजिंग बॉट्स, दोज बॉट्स विल राइट द सेम मैसेज बट विद डिफरेंट यूजर नेम, लाइक दे आर राइटिंग बेस्ट वीडियो सो दे विल ऑटोमेटिकली दीज बॉट्स जो ये ऑनलाइन प्रेजेंस रखते हैं, बॉट्स होते हैं बेसिकली, उनकी कमांड होती है, वो कमांड फुलफिल करते हैं, आप उनको बोल दोगे इस वीडियो पे इस लिंक पे लिखने हैं, तो वो डिफरेंट यूजर नेम से हाथों हाथ बनाकर, ठीक है, और जो है उस पे कमेंट कर देंगे ताकि वीडियो वायरल हो, कमेंट्स बढ़े उसके बाद, एंड पीपल थिंक कि हाँ यार ये तो कमेंट सेक्शन में इतना अच्छा अच्छा लिखा है तो बढ़िया ही है, सच है। तो ये सब इसकी क्लीनिंग करने के लिए, और जो मॉलवेयर होते हैं फोन्स के अंदर आते हैं तो उसके लिए बेसिकली एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि देखो जो आपके एंटीवायरस हैं, आपके एंटीवायरस तभी बन सकते हैं जब वायरस अवेलेबल हो। एंटीवायरस का मतलब होता है कि एक सर्टेन काइंड ऑफ वायरस है, उसकी एक एग्जीक्यूशन होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको उससे डील करने के लिए एंटीवायरसेस बनाए जाते हैं। तो जब डिफरेंट मॉलवेयर्स आते हैं ना, अब जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो गूगल या एंड्रॉयड फोन्स हैं या आईफोन है आपके पास, या कोई भी लैपटॉप है या फोन है, उसमें आपको एप्स अपडेट करनी होती हैं। वो किस लिए करनी होती है? क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं कि आज जो आपने ऐप खरीदी है या अपडेट किया है, अगले कुछ टाइम तक क्या है ना कि उसी ऐप के लिए कुछ ना कुछ चीजें और बिल्ड हो जाएंगी जो उस ऐप की जो ऑथेंटिसिटी है उसके साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो वो क्या करते हैं, उन सब के साथ डील करके एक पैकेज बना सकते हैं और आपको देते हैं कि भाई इसको अपडेट कर लो, फिर आप अपडेटेड रहते हो। तो वो इसलिए अपडेट कराते हैं। तो उसका जब तक एनालिसिस नहीं करोगे आप कि मॉलवेयर कैसा कैसा बनता जा रहा है, तब तक आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे चीज नहीं ला सकते। जैसे फोन्स में, जैसे मेरे घर में तो सभी के फोन्स में ई बॉट रिमूवल जो है मैंने डाला हुआ है, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही है, ठीक है, मॉलवेयर के और बॉटनेट्स को चेक करता है, ध्यान में रखता है कि वो फोन्स में ना हो और प्रोटेक्ट करता है आपके फोन को, तो वो भी आप डाल सकते हो। तो गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें भी की हैं ताकि आप जो है प्रोटेक्टेड रहो इन चीजों से। आगे कर सकते हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क है एक ही है, आईटी एक्ट 2000, बेशक सेक्शन 66A जो है उसको बड़ा वो रखा गया है, लेकिन स्टिल एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क जो है हमारे पास जो अभी डील कर सकते हैं इसके साथ, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। प्राइमरी लेजिस्लेशन जो है साइबर क्राइम्स के साथ जो डील करता है वो आईटी एक्ट 2000 है,
जिसको बहुत बार सेवरल टाइम्स इट हैज बीन अमेंडेड ताकि न्यू चैलेंजेस और थ्रेट्स को वक्त के साथ साथ जो आते रहते हैं उसके साथ डील किया जा सके. तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्चुअली डिक्रीज द एम्बिग्विटी. ठीक है, इसके अंदर जो एम्बिग्विटी है, डेफिनेशंस जो है विच आर नॉट क्लियर, ठीक है, तो इसको कर सकते, कंट्रोल द एम्बिग्विटी. वन सेकेंड, नॉट डिक्रीज, कंट्रोल द एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी का मतलब कि आप बहुत बार जो चीजें हैं क्लियरली नहीं लिखी होती तो आप उसमें रास्ता निकाल लेते हैं उसको एक्सप्लॉइट करने का. तो एम्बिग्विटी को कंट्रोल किया जाए, डेफिनेशंस जो बहुत ही एम्बिगुअस हैं उनको बेटर किया जाए ताकि जो लॉ है वो बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा सके. साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज हैं उसको बेटर किया जा सके, जैसे बहुत सारी इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज चल रही है हमारी, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए. जो साइबर सेल्स हैं और जो इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स होती हैं उनको बेटर किया जाए, ठीक है, बेटर टेक्निक्स के साथ उनको कैपेबिलिटीज दी जाए और कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट उनकी बढ़ाई जाए. ये आपने एथिक्स अगर पढ़ी है आपने, एनहेंसमेंट अगर आपने एथिक्स पढ़ी है अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज में तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट हो गई, वो इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूर ध्यान रखना चाहिए बिकॉज इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री दैट इज इंपैक्टेड बाय इट, नाउ इट हैज गॉन ग्लोबल. अब ये चीजें ग्लोबल जा चुकी हैं तो ग्लोबल एफर्ट्स बहुत जरूरी हैं ताकि क्या हो कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, ठीक है, या फिर मैं एक बेटर वर्ड आपको बताता हूं, इट्स नॉट इंफॉर्मेशन शेयरिंग दैट यू यूज टेक्निकल टर्म्स में, इट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग. जब आप इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड शेयरिंग करेंगे तो वो आपसे सीखेंगे, आप उनसे सीखेंगे. अगर आपके पास कोई ऐसी चीज आई जिनकी डिटेल्स उनके पास हैं तो आप दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो रिजॉल्व करने के लिए. तो इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड शेयरिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप इसको डील कर सकते हो इंटरनेशनल कोऑपरेशन करके, ठीक है. So this was it about the 2023 previous year question analysis.